तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो के अंदर। एंड लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने उसे मिस्टर के नाम के बंदे को पकड़ लिया था, जो कि आपको याद होगा लास्ट टाइम लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन के साथ हमारे यहाँ पर कोर्ट केस वगैरह के बीच में आया था और उसने यहाँ पर फेक गवाही भी दी थी, वो भी लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन के फेवर में। बट इतना ही नहीं, लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से उस बंदे ने यहाँ पर डेव और स्टीव को मेल करके ये कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर उन लोगों ने उसे $50 मिलियन लाकर नहीं दिए तो वो ये बात पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के मीडिया वालों को बता देगा कि किस तरीके से माइकल ने लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन का यहाँ पे मर्डर कर दिया है और उसके बाद उसे कायो पेरिको में जाकर दफना दिया है। बट अभी तक हमें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि उसे ये बात पता कैसे चली, क्योंकि आप सभी को याद होगा लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन को हम लोगों ने कायो पेरिको में दफनाया है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसके बारे में यहाँ पर मिस्टर के को पता कैसे चला। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से मिस्टर के को किडनैप कर लिया था और उसी काम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली रेड वैन भी ली थी। बाकी यहाँ पीछे वाली साइड में आप लोग देख सकते हो जो अपना ब्लैक रॉयल्टी एलीट का गार्ड है ना, वो इस टाइम पे अपनी सिक्योरिटी की जी वैगन लेकर इस टाइम पर अपने पीछे चल रहा है। बट हाँ यार, आप सभी को याद होगा मिस्टर के से हम लोग यहाँ पर कुछ भी पूछताछ वगैरह नहीं कर पाए और ना ही मैं उस बंदे से यहाँ पर पूछ पाए कि भाई उसे ये सब कुछ पता कैसे चला कि मैंने यहाँ पे लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन को मार दिया है। बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई। अब देखो यार, मिस्टर के को तो हम लोगों ने इस वैन का फायदा उठाकर किडनैप कर लिया था। बट थोड़ी देर बाद ही मुझे यहाँ पर डेव का फोन आता है और डेव ने मुझे बताया कि माइकल लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने पुलिस कैप्टन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू कर दिया है और इसी वजह से पुलिस वालों ने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर सिक्योरिटी और चेकिंग काफी ज्यादा टाइट कर दिया है। तो हाँ यार, अगर ऐसी हालत में मैं मिस्टर के को अपनी इस वैन के अंदर लेकर अपने घर पे ले जाने का ट्राई करता ना, ताकि हम लोग उसको अपने घर पे ले जाकर उससे पूछताछ वगैरह कर सके, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस चीज में हम लोग फंस सकते थे। क्योंकि अगर गलती से भी किसी भी पुलिस वाले ने चेकिंग करते टाइम अपनी गाड़ी के पीछे डिग्गी वाली साइड में मिस्टर के को देख लिया होता ना, तो भाई पक्की बात है हम लोग आज रात पूरी जेल में बिताने वाले थे। बट हाँ यार, अच्छी बात यह है कि डेव ने हमें सही टाइम पे फोन करके इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया और उसने बोल दिया कि माइकल भूल कर भी ये गलती मत करना कि तुम मिस्टर के को अपने घर पर लेकर आओ। और डेव की बात सुनकर मैंने एक काम कर दिया, मैंने यहाँ पे मिस्टर के को पिल बॉक्स हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। बट इसके बारे में हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जो अपना पैराडॉक्स है ना, वो अभी भी पिल बॉक्स हॉस्पिटल के अंदर है। तो हाँ यार, वो बंदा यहाँ पर मिस्टर के की आराम से खातिरदारी वगैरह करता रहेगा। और वैसे भी बस आज रात की बात है, सुबह तक बस ये लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की चेकिंग वगैरह थोड़ा सा मतलब माहौल शांत हो जाए ना, उसके बाद तो हम लोग पिल बॉक्स हॉस्पिटल में जाएंगे, उस मिस्टर के नाम के बंदे को उठाएंगे और आराम से उस बंदे को अपने घर पे लाकर फुल टॉर्चर वगैरह करेंगे और उससे पूछताछ भी करेंगे कि भाई क्या सीन है, कैसे उसे लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन बारे में पता चल गया। और भाई बंदे की हिम्मत तो देखो, मतलब बंदा यहाँ पे डायरेक्टली डेव और स्टीव से $50 मिलियन मांग रहा था। बाकी यहाँ पर ना हम लोग ऑलमोस्ट अभी अपने घर पे पहुंचने वाले हैं, बट उससे पहले ये वाली जो वैन है ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मिस्टर के को किडनैप करने के लिए रेंट पर ली थी, इसे हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, अगर गलती से भी लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने ये वैन नोटिस कर लिया ना, तो हाँ यार बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी के लिए भी आप लोग देख सकते हो जो अपना ब्लैक रॉयल्टी एलीट का गार्ड है ना, उसे मैंने बोल दिया कि भाई तू थोड़ा सा वेट करना, अभी के लिए ये वाली जो वैन है ना, इसको मैंने यहाँ पे एक सुनसान एरिया में लेकर आ चुका हूँ, जो कि अपने घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बट हाँ, मैं नहीं चाहता कि लॉस सैंटोस के पुलिस वाले गलती से भी अपने घर तक पहुंच जाए। तो हाँ यार, अभी के लिए काम करते हैं, ये वाली जो रेड कलर की वैन है ना, इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। बाकी एक सेकेंड, ये चीज तो मैं भूल ही गया था कि एक और ब्लैक रॉयल्टी एलीट का गार्ड अपने साथ इस वैन के अंदर बैठा हुआ है। बाकी हाँ, ये वाला गार्ड मुझसे कह रहा है कि सर अभी सुबह होने से पहले हम लोग अगर यहाँ से निकल ले तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी वो देखो यार, जो अपना ब्लैक रॉयल्टी एलीट का गार्ड था ना, वो इस टाइम पर अपनी जे वैगन लेकर यहाँ पर आ चुका है और अब हमें कुछ ज्यादा वैसे भी करना नहीं है, अपना घर यहाँ से काफी ज्यादा पास में है। तो अब बस हमें यहाँ पर सुबह होने का वेट करना है, आराम से अपने घर पे चल के बिल्कुल आराम वगैरह करते हैं, उसके बाद सुबह जाकर मिस्टर के को हम लोग पेल बॉक्स हॉस्पिटल से लेकर आएंगे एंड देन देखते हैं कि एग्जैक्टली सीन क्या है। बाकी फिलहाल तो देखकर लग रहा है कि हम लोगों ने वैन को एकदम यहाँ पर सही जगह पर छोड़ा है, किसी को ज्यादा शक वगैरह भी होने नहीं वाला है। बाकी वेट यार, यहाँ पर एक हमर वाली बंदी है जो कि मुझे यहाँ पर रास्ते से हटने के लिए कह रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी अब बस हमें अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर पर चलना है, तो चलो यार फटाफट से हम लोग अभी अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर के लिए निकलते हैं। और कल सुबह होते ही मिस्टर के को हम लोग पिल बॉक्स हॉस्पिटल से उठा के सीधा अपने घर के टॉर्चर रूम में लेकर आने वाले हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसके पीछे का सच क्या है, कि मिस्टर के को इसके बारे में पता कैसे चला कि हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस कैप्टन को मार दिया था। बट उससे पहले गाइस, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 15,000 लाइक्स का। तो फटाफट से जाकर सब लोग लाइक का बटन दबा दो और 15,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दो। ऑल्सो आप में से जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ऑल पे कर देना, क्योंकि हम लोग 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है और 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हिट करने के लिए हमें बस यहाँ पे 33,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो हाँ गाइस, आप में से जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना,
बाकी चलो यार अभी के लिए तो हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं। फटाफट से भी हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं। बाकी वे लास्ट टाइम जब मैं अपने घर पे आया था तो मुझे यहाँ पर एजेंट थॉमस की मर्सिडीज दिखी थी, बट वो इस टाइम पर नहीं है। मुझे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर रात होने की वजह से शायद एजेंट थॉमस निकल गया होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी के लिए हम लोग अपने घर के सीधा मीटिंग रूम के अंदर चलते हैं। वैसे भी जो अपना डेव है वो भाई पूरी रात से ना वहीं पर अपना वेट कर रहा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस प्रॉब्लम ये हो गई कि मिस्टर के को ना यहाँ पर पकड़ते पकड़ते इतनी ज्यादा रात वगैरह हो जाएगी, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। चलो यार फिलहाल अच्छी बात ये कि हम लोग फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी हाँ, आप सभी को याद होगा लास्ट एपिसोड में मैंने लेस्टर को उस बोट के बारे में पता करने के लिए बोला था जिसके ऊपर अपने वो वाले ट्रक थे जिनके अंदर अपना बिग माफिया के भाई का सारा ब्लैक मनी था जो कि हम लोगों ने पुलिस कैप्टन के घर से चुराया था। बट किस्मत अपनी बहुत ज्यादा खराब थी, पुलिस वालों के डर की वजह से मुझे उस बोट को उसी वेयरहाउस में छोड़ना पड़ा था। बट ठीक है, अभी के लिए ना फटाफट से हम लोग जरा अपने घर के मीटिंग रूम के अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या सीन है। और डेव भी अपना ओके, ये देखो यार डेव इस टाइम पर अपना यहीं पर वेट कर रहा है। बाकी एक सेकंड भाई, ये लमार अभी तक घर नहीं गए क्या? बंदा अपने घर पे मस्त यहाँ पर ड्रिंक वगैरह कर रहा है और बॉडीगार्ड को बोल रहा है कि अपना काम ध्यान से करते रहो, माइकल थोड़ी देर में आते ही होगा। भाई बंदा यहाँ पर इतने ज्यादा नशे में ये मुझे पहचान नहीं पा रहा क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी ये बंदा ना एक बार अगर बात करना शुरू करता है ना तो उसके बाद इसका मुंह वगैरह बंद होता नहीं है। बाकी चलो यार जो अपना बॉडीगार्ड है वो भी इस टाइम पे यहाँ पे रिसर्च वगैरह करने में लगा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। मैं सिर्फ थोड़ी देर में बात करूंगा, बट अभी के लिए जरा मैं एक बार डेव से बात करता हूँ, उसको यहाँ पे ना सारा का सारा सीन वगैरह एक्सप्लेन कर देता हूँ मिस्टर के बारे में। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पर अभी डेव के साथ में हो चुकी है। मैंने यहाँ पर इसको सारा का सारा सीन एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे इसके कहने पे हम लोगों ने मिस्टर के को पिलबॉक्स हॉस्पिटल में छोड़ दिया है। और सुबह होते ही जैसे यहाँ पे लॉस सैंटोस का माहौल थोड़ा सा शांत हो जाएगा, पुलिस वालों की चेकिंग वगैरह खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं पर्सनली जाकर मिस्टर के को अपने घर पर शिफ्ट कर लूंगा। और इस टाइम पर डेव कह रहा है कि चलो माइकल ये तो बहुत अच्छा है कि तुम मिस्टर के को डायरेक्टली अपने घर पर लेकर नहीं आए। और इस टाइम पर ये बंदा स्टीव को भी यहाँ पर SMS करके पूरा का पूरा सीन वगैरह एक्सप्लेन कर रहा है। फिलहाल डेव से तो मेरी बात यहाँ पर इस टाइम पर हो चुकी है और डेव मुझसे इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल कल सुबह ना मुझे एक बार फोन करके अपडेट कर देना जैसे तुम मिस्टर के को अपने घर पर शिफ्ट करते हो। और अभी जो अपना डेव है ये बंदा फाइनली अपने घर के लिए निकल चुका है, तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल सुबह जैसे मैं यहाँ पर मिस्टर के को अपने घर पे लेके आऊंगा ना उसके बाद बस मुझे यहाँ पर डेव को इन्फॉर्म करना है ताकि ये बंदा यहाँ पर स्टीव को भी सारे के सारे अपडेट वगैरह देते रहे। क्योंकि भाई वो जो स्टीव नाम का बंदा है ना वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है और आपको याद होगा भाई वो बंदा मुझे यहाँ पर लिटरली मारने पर उतर आया था क्योंकि उसकी भी जॉब यहाँ पर काफी ज्यादा खतरे में है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी के लिए एक बार मैं अपने बॉडीगार्ड से बात करता हूँ और पूछकर देखता हूँ कि उसे बोट के बारे में कुछ पता चला भी या फिर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पर अभी अपने बॉडीगार्ड के साथ में हो चुकी है और इस टाइम पर बॉडीगार्ड मुझसे कह रहा है कि माइकल मेरे पास कोई नया अपडेट नहीं है, जो लेस्टर ने मुझे लास्ट टाइम बताया था लेस्टर अभी भी वही सेम बात कर रहा है कि जिस जगह पर तुमने उस बोट को छोड़ा था यानी कि उस वेयरहाउस में जैसे लेस्टर ने उस ट्रैकर को ट्रेस करने का ट्राई करा जो कि हम लोगों ने उस बोट के ऊपर लगाया था तो अभी भी उस बोट की लाइव लोकेशन उसी वेयरहाउस में दिखा रहा है जहां पर तुमने उसे छोड़ा था। वेट, तो उसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? वो बोट वहां पर से लॉस एंजेलस के पुलिस वालों ने हटाई नहीं है या फिर उसका ट्रैकर उस बोट के ऊपर से गिर गया है? पता नहीं क्या सीन है, बट इस टाइम पे बॉडीगार्ड मुझसे कह रहा है कि माइकल अभी ना बेस्ट चांस है, तुम्हें एग्जैक्टली उसी वेयरहाउस पे जाकर चेक करना चाहिए कि वो बोट एग्जैक्टली वहीं पर है या फिर कोई और सीन है या फिर ये लॉस एंजेलस के पुलिस डिपार्टमेंट की कोई साजिश है तुम्हें पकड़ने के लिए। नहीं यार, लॉस एंजेलस का पुलिस डिपार्टमेंट इतना स्मार्ट नहीं है, स्पेशली लॉस एंजेलस के पुलिस कैप्टन के मरने के बाद। तो नहीं यार, मुझे लगता नहीं कि लॉस एंजेलस के पुलिस डिपार्टमेंट का प्लान होगा। बट अगर उस ट्रैकर की लास्ट एक्टिव लोकेशन उसी जगह से आ रही है जहां पर हम लोगों ने उस बोट को छोड़ा था तो वहां पर जाकर चेक करने में कोई बुराई नहीं है यार। एक काम करते हैं, अभी ना ज्यादा देर नहीं हुई है, सोने की जगह फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को उठाते हैं और सीधा उसी लोकेशन पर निकलते हैं जहां पर हम लोगों ने उस बोट को छोड़ा था यानी कि वही वाला वेयरहाउस जहां पर आप सभी को याद होगा लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेस्टर के कहने पर मैंने अपनी बोट के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि अगर लॉस सैंटोस के पुलिस वाले अपनी उस बोट को लेकर कहीं जाने का ट्रैक करते भी है तो भी हम लोग यहाँ पर ना आराम से उस बोट को ट्रैक कर सकते हैं। तो हाँ यार, लेकिन अभी जब लेस्टर ने उस बोट को ट्रैक करने का ट्राई करा तो उस बोट की लास्ट एक्टिव लोकेशन उसी वेयरहाउस की आ रही है जहां पर हम लोगों ने उस बोट को लास्ट टाइम छोड़ा था। तो अब मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सीन है, क्योंकि अगर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को पता है कि उस मतलब बोट के ऊपर जो ट्रक्स हैं उनके अंदर बिग माफिया का भाई का सारा ब्लैक मनी वगैरह है जो कि हम लोगों ने लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन के घर से चुराया था, तो अभी तक उन लोगों ने उस बोट को वहां से क्यों नहीं हटाया? पता नहीं यार क्या सीन है, बट ठीक है अभी के लिए काम करते हैं, जरा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को भगाते हैं, सीधा उसी लोकेशन के लिए निकलते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि क्या सीन है, क्यों उस ट्रैकर की लोकेशन उसी वेयरहाउस पर दिखा रहा है जहां पर हम लोगों ने उस बोट को छोड़ा था और क्या वो जो अपनी बोट है वो अभी भी वहीं पर है। चलो गाइस, तो अभी मैं अपनी बाइक को भगाता हुआ फाइनली उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर हम लोगों ने अपनी बोट को छोड़ा था। फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को यहां पर से राइट टर्न लेते हैं और ये देखो यार, पता नहीं कैसे हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना हम लोग घूम फिर के अपने सबसे पुराने वाले सीक्रेट बेस के पास पहुंच जाते हैं। बट अभी के लिए जो अपना वेयरहाउस
था ना वो उससे सामने वाले एरिया में, तो फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को यहाँ से भी शॉर्टकट से निकालते हैं। मैं यहाँ पर कोई लॉन्ग कट वगैरह का रास्ता फॉलो नहीं करने वाला। एक सेकेंड भाई, मैरी वेदर के बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेट, ये बंदे तो तब भी वहीं पर थे ना जब उस रात मैं उस वेयरहाउस में छुपने के लिए आया था, तो इसका मतलब है कि मैरी वेदर के बंदे तभी से यहीं पर चेकिंग वगैरह करने में लगे हुए क्या? भाई साहब जरा एक बार इस जगह की हालत देखो, मैरी वेदर के बंदों ने यहाँ पर एक चेक पोस्ट की तरह मतलब पूरी चेकिंग वगैरह लगा रखी है, और इस टाइम पर यहाँ पर ना काफी सारे मैरी वेदर के बंदे हैं। भाई नहीं यार, डायरेक्टली तो मैं इस रास्ते से नहीं जाने वाला, वैसे भी जो अपना वेयरहाउस है ना वो सामने वाला वेयरहाउस है, तो हाँ यार मुझे वहां पर तो जाना पड़ेगा। बट वेट, यहाँ पर भी ना काफी सारे बंदे वगैरह घूम रहे हैं, और हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर मैरी वेदर के साथ मिले हो। तो ठीक है यार, अभी के लिए काम करते हैं, जो अपनी बाइक है ना इसको मैं इस वाली साइड में छोड़ता हूँ, और अभी ना हम लोग जरा वेयरहाउस के अंदर चुपचाप जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर सीन चल क्या रहा है। बाकी एक सेकेंड, वो देखो यार सामने वाली साइड से ना मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे मैरी वेदर के बंदों की गाड़ी और मैरी वेदर के सारे बंदे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और भाई साहब ये तो पूरी फौज लेकर आए हैं यार, और वहां पर दूसरी साइड में मुझे एक हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा था। तो नहीं यार, मैरी वेदर के बंदों से डायरेक्टली मुझे पंगा तो नहीं लेना है। बाकी हाँ, जितना मुझे याद है जो अपनी बोट थी ना उसको हम लोगों ने पुलिस वालों के डर से इसी वाले वेयरहाउस में छोड़ा था। तो चलो यार अभी के लिए काम करते हैं, फटाफट से ना हम लोग अभी इस वेयरहाउस के अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर सीन क्या है। बाकी वेट, यहाँ पर इन लोगों ने दो बड़े बड़े गेट बैरियर्स लगा दिए हैं, तो मैं उस तरफ जाने कैसे वाला हूँ यार? शायद यहाँ पर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को पता था कि कोई भी आ सकता है। वेट भाई, ये डोर लॉक नहीं था, मैं जैसे इस डोर के पास आया ये डोर यहाँ पे खुल गया, क्या बात है। चलो ठीक है, अभी के लिए काम करते हैं। एक सेकेंड भाई, वो देखो सामने वाली साइड में मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट दिख रहा है। वेट, ये सारे बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुको यार, अभी के लिए ना मैं एक बार यहाँ पर अपना फोन निकालता हूँ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जूम इन करते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे सारे के सारे लॉस सैंटोस के पुलिस वाले दिख रहे हैं। वेट, अगर मैं गलत नहीं तो वो वही बोट है ना जिस पे हम लोग यहाँ पर बिग माफिया का भाई का सारा ब्लैक मनी वाले ट्रक्स को लेकर आए थे। भाई ये बोट अभी भी यहीं पर है। और वेट भाई साहब, पुलिस कैप्टन के घर से जो हमें एक ट्रक मिला था जिसके अंदर यहाँ पर काफी सारा गोल्ड था, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बोट पर लोड कर दिया था। बट ये देखो यार, लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने उस ट्रक को बोट पर से अनलोड कर लिया है, और इस टाइम पर ये लोग उसका सारा का सारा गोल्ड वगैरह चेक कर रहे हैं। भाई दिक्कत हो गई है, अभी के लिए मुझे ना जरा एक बार आगे वाली साइड में जाकर देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने अपनी बोट पर से क्या क्या अनलोड कर लिया है, क्योंकि कुछ भी हो जाए जो यहाँ पर बिग माफिया के भाई का ब्लैक मनी है ना वो तो मैं किसी भी हालत में आज यहाँ से लेकर जाऊंगा। भाई उस ब्लैक मनी के पीछे हम लोग पता नहीं कितने महीनों से पीछे पड़े हुए हैं, और वो हर बार अपने हाथ से निकल जाता है, बट इस बार मैं उसको यहाँ पर लेकर जाऊंगा कैसे भी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बट हाँ, जो आज यहाँ पर ब्लैक मनी है ना ये किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने वाला है। वैसे भी एक सेकेंड, वो देखो सामने वाली साइड में मुझे यहाँ पर दूसरा ट्रक दिख गया है जिसके अंदर यहाँ पर बिग माफिया के भाई का ब्लैक मनी कैश के अंदर था, और जो गोल्ड वाला ट्रक था वो तो इन लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया है। यार समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीन है, मुझे वो ट्रक भी यहाँ पर चाहिए था, बट हाँ एक ट्रक मुझे अभी भी उसी बोट के ऊपर दिख रहा है जहाँ पर हम लोगों ने उसे छोड़ा था, और जितना मुझे याद है एक पुलिस वालों की लैम्बोर्गिनी हमने छोड़ी थी, वो देखो मुझे यहाँ पर पुलिस वालों की लैम्बोर्गिनी भी दिख रही है। तो इसका मतलब है कि अभी तक लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने यहाँ पर बोट पर से बस एक ही ट्रक अनलोड कर पाया है, और ये देखो यार यहाँ पर ये लोग इसके पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इसको ये लोग पूरा चेक कर रहे हैं। जो अपना एक और ब्लैक मनी वाला ट्रक था ना वो अभी भी वहीं पर है, कैसे भी करके इस ब्लैक मनी वाले ट्रक को मुझे यहाँ से लेकर निकलना पड़ेगा। भाई जो गोल्ड वाला ट्रक था वो तो यहाँ पर फंस गया, जो अपना ब्लैक मनी वाला ट्रक है ना वो भी यहाँ पर उसी बोट के अंदर है। लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की लैम्बोर्गिनी भाड़ में जाए यार, उस लैम्बोर्गिनी को तो हम लोग बाद में कहीं पर से भी उठा लेंगे, पर जो भी मेन है ना वो अपना यहाँ पर 400 से 500 ब्लैक मनी है जो कि उस ट्रक के अंदर है। तो हाँ यार कैसे भी करके उस ट्रक को या फिर पूरी की पूरी बोट को मुझे लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट ये काम हम लोग एग्जैक्टली करने कैसे वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास में काफी सारे पुलिस वाले हैं, और अगर मैं डायरेक्टली ऐसी जगह लेकर वहां पर जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वेट, पीछे वाली साइड में यहाँ पर एक पुलिस का बंदा है क्या? वेट यार, मैंने यहाँ पर अपना फोन निकल लिया। ओके, यहाँ पर एक पुलिस वाला है जो कि इस टाइम पर स्मोकिंग करने के लिए साइड में गया हुआ है, और इस टाइम पर ये इन सारे पुलिस वालों से दूर है। भाई मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा आइडिया आया है, और आइडिया क्या है वो आप में से आधे लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। जी हाँ, हम लोग एग्जैक्टली वही करने वाले हैं जो कि आप लोग सोच रहे हो। उस पुलिस वाले का ना मैं उसके पास जाके थोड़ा सा गेम बजाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर उसका आउटफिट चुराने वाला हूँ, क्योंकि भाई इससे तगड़ा आइडिया मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी होने वाला है। तो हाँ यार, अभी के लिए ये जो लॉस सैंटोस का पुलिस वाला है ना
ये यहाँ पर सुट्टा ब्रेक के लिए ना बाकी पुलिस वालों से साइड में आ गया है। तो फटाफट से काम करते हैं, इस वाले पुलिस वाले को ना हम लोग यहाँ पर चुपचाप बेहोश कर देते हैं। इसके कपड़े लेकर हम लोग बनने वाले एक सस्ता पुलिस वाला और जाकर अपनी बोट को कैसे भी वहां से निकालने वाले हैं। चलती बैस की टांग निकले यहाँ से। एटलीस्ट मैंने यहाँ पर अभी इस पुलिस वाले को बेहोश कर दिया है फिलहाल, इससे पहले कि कोई दूसरा पुलिस वाला मुझे यहाँ पर से नोटिस कर ले। फटाफट से ना इसकी बॉडी को हम लोग यहाँ पे ठिकाने लगाते हैं और फटाफट से ना इसका आउटफिट ले लेते हैं। ऑल डन गाइस, काम यहाँ पर अपना हो चुका है। इस टाइम पर अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर फाइनली उस पुलिस वाले के कपड़े ले लिए हैं और जो उसकी बॉडी थी ना वो मैंने यहाँ पर ठिकाने लगा दिया है। अब उसकी बॉडी कहाँ पर गई उसके बारे में आप लोग जानकर क्या ही करोगे। बाकी चलो यार अभी के लिए काम करते हैं। वो देखो सामने वाली साइड में ना यहाँ पर सारे के सारे लॉस सैंटोस के पुलिस वाले हैं और क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारे भाई ने भी यहाँ पे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की यूनिफॉर्म पहन लिया है, मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पर कोई भी पहचानने वाला है। बट फिर भी यार भाई अभी ना यहाँ पर आसपास में मुझे काफी सारे लॉस सैंटोस के पुलिस वाले दिख रहे हैं और मैं चाहता नहीं कि मैं यहाँ पर कोई भी गलती कर दूं। बाकी भाई जरा एक बार ये देखो यार, इस बोट को चारों तरफ से घेरने के लिए इन लोगों ने भाई साहब पता नहीं यहाँ पर क्या क्या इंतजाम कर लिया। ये देखो यहाँ पर ना लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की बोट भी है और यहाँ पर लिटरली इन लोगों ने काफी सारे पुलिस वाले भी खड़े करके रखे हुए हैं। भाई वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग सही टाइम पर लेस्टर के कहने पर इस वाली बोट को यहीं पर छोड़कर निकल गए थे, वरना पता नहीं अपना क्या होता। क्योंकि देखो यार सामने वाली साइड में भी मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट दिख रहा है जो कि इस टाइम पे चारों तरफ से अपनी वाली बोट को घेर कर खड़ा हुआ है। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पर ये लोग अभी भी बोट के ऊपर एम कर रहे हैं। वेट, वो देखो यार यहाँ पर सामने दो पुलिस वाले भी हैं जो कि इस टाइम पर बोट को चेक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर बोट के अंदर हैं? क्योंकि भाई जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर लेकर भागे थे ना, मुझे लगता नहीं है कि अभी तक इन्हें कोई भी आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर से भाग गए हैं। बट हाँ फिलहाल इस टाइम पर देखकर लग रहा है कि ये लोग अभी भी यहाँ पर बोट की ना काफी ज्यादा डीप लेवल की इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने में लगे हुए हैं। और ये देखो यार यहाँ पर वो वाला ट्रक है जो कि हम लोगों ने लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन के घर से उठाया था, जिसमें अपना सारा का सारा गोल्ड है। मतलब अपना गोल्ड तो नहीं है, बट हाँ यार ये गोल्ड अपना हो सकता था अगर ये लॉस सैंटोस के पुलिस वाले गलत टाइम पे टांग ना अड़ाते। बाकी देखो यार अभी के लिए ये वाला जो ट्रक था ना वो तो पकड़ा गया है, बट अभी के लिए एक और ट्रक जिसमें यहाँ पर बिग माफिया का भाई का सारा ब्लैक मनी कैश के अंदर है, कम से कम 400 से 500 मिलियन डॉलर, वो अभी भी इस बोट के अंदर है और मुझे कैसे भी करके वो यहाँ से निकालना है। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पर ना दो पुलिस ऑफिसर है और ये लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं कि सर शायद टाइम आ गया है इस वाली बोट को लेकर कैप्टन के पास जाने का। पुलिस कैप्टन की बात कर रहे हैं क्या ये लोग यहाँ पर? वेट यार, पुलिस कैप्टन को तो मैं मार चुका हूँ। नहीं यार, ये लोग शायद यहाँ पर किसी और कैप्टन वगैरह की बात कर रहे होंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लॉस सैंटोस के अंदर नया पुलिस कैप्टन आ गया हो। पता नहीं क्या सीन है, बट रुको यार अभी के लिए ना हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेने वाले हैं और देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर और क्या प्लान कर रहे हैं। यार यहाँ पर से तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग बार बार किसी यहाँ पर कैप्टन की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इस बोट को ये लोग यहाँ पर से ले जाने वाले हैं, बट एग्जैक्टली कहाँ पर इसके बारे में मैं इनकी बातें सुन के कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बट ठीक है अभी के लिए काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा आगे वाली साइड में चलते हैं। और एक सेकेंड, वो देखो यार यहाँ पर ना सामने वाली साइड में और भी दो पुलिस वाले बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं फटाफट से ना मैं जरा इनके साइड में जाता हूँ, ऐसे एक्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पर ना बोट की इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए आया हूँ और अब जरा एक बार सुनने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वेट, ये सब क्या सीन है भाई? इस टाइम पर ये दोनों पुलिस वाले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी के लिए इस बोट को कहीं और ले जाना खतरे से ज्यादा खाली नहीं है। पता नहीं वो चोर यहाँ पर और क्या प्लान कर रहे हैं, शायद अपने बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर पहला पुलिस वाला है ये कह रहा है कि इस बोट को यहाँ से ले जाने का टाइम आ चुका है। अब देखते हैं कि कैप्टन इस बोट का क्या रिस्पॉन्स देंगे, वही हमें आगे बताएंगे कि इस बोट को लेकर एग्जैक्टली कहाँ पर छुपाना है ताकि ये बोट यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने ना पाए। वेट भाई, पुलिस वालों का यहाँ पर प्लान क्या है? रुको यार मुझे ना यहाँ पर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले कि ये लोग इस बोट को लेकर यहाँ से निकले, अच्छा यही होगा कि हम लोग कैसे भी करके बस एक बार इस बोट के ऊपर चढ़ जाएं इससे पहले कि ये लोग यहाँ से इसको लेकर निकले। तो फटाफट से मैं काम करता हूँ, यहाँ से ना हम लोग जरा नीचे कूदते हैं और जल्दी से इस बोट पर चढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो यार जितना मैंने यहाँ पर उन सारे के सारे पुलिस वालों की कन्वर्सेशन वगैरह सुनी ना, उससे मुझे ये तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई नया लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन है या फिर कोई तो है और ये लोग यहाँ पर से इस बोट को ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हाँ यार इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर से निकले, अभी के लिए मैं इस बोट के ऊपर आ चुका हूँ। बाकी एक सेकेंड, ये देखो यार अभी भी यहाँ पर भी एक लॉस सैंटोस का पुलिस वाला है जो कि इस टाइम पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने में लगा हुआ। और वेट, यहाँ पर भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर है जो कि इस ट्रक के टायर्स वगैरह को देख रही है। अभी के लिए ना यहाँ पर ना ज्यादा रहना सेफ नहीं है, फटाफट से हम लोग जरा ऊपर वाली साइड में चलते हैं। वहां पर ना इस बोट का कैप्टन वगैरह भी होगा या फिर कोई ऐसा पुलिस वाला होगा जो कि यहाँ से इसको ले जाने का ट्राई कर रहा होगा। वेट यार, ऊपर वाली साइड में और नीचे वाली साइड में दोनों यहाँ पर पुलिस वाले हैं। वेट भाई, वो देखो यहाँ पर भी एक पुलिस वाला है जो कि राउंड लगा रहा है और मैं चाहता नहीं हूँ यहाँ पर ज्यादा किसी पुलिस वालों की नजर वगैरह में आने के लिए। बाकी वेट, बोट का ड्राइवर वाला कैबिन तो एकदम खाली पड़ा है,
तो इस बोट को एग्जैक्टली यहाँ पर से लेकर कौन जाने वाला है? पता नहीं क्या सीन है भाई, सामने वाले साइड में देखो काफी सारे पुलिस वाले मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बट एग्जैक्टली इस बोट को यहाँ से लेकर जाने कौन वाला है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये काम करते हैं, हम लोग ना बाहर वाली साइड में चलते हैं। वेट, यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया और इस टाइम पर ये कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि इस बोट को बाहर ले जाने का टाइम हो गया है, तुम इस बोट के ड्राइवर हो, फटाफट से इस बोट को यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम करो। भाई मुझे लग रहा है कि ये जो पुलिस वाला है ये मुझे इस टाइम पे इस बोट का मतलब ड्राइवर समझ रहा है और शायद ऐसा लग रहा है कि इस बोट को यहाँ पर से निकालने की ड्यूटी मुझे असाइन हुई है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मुझे ना यहाँ पर एक कॉल आ गया था तो थोड़ा सा लेट हो गया। भाई इससे पहले कि इस बंदे को मेरी ओवर एक्टिंग पे शक हो, फटाफट से ना हम लोग यहाँ पर बोट का कंट्रोल ले लेते हैं। और अभी के लिए ये जो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है मुझे कह रहा है कि इस बोट को फटाफट से बाहर निकालो, हम लोग यहाँ पर लेट हो रहे हैं। ओके भाई, इस टाइम पर ये जो बोट है ये पूरे के पूरी मेरी कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोग वेयर हाउस में ही हैं और आसपास यहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं। बट यहाँ पर हमें ना ऊपर वाले ने एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है, क्योंकि जो अपने पीछे पुलिस वाला है ना ये इस टाइम पे मुझे कह रहा है कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इस बोट को लेकर यहाँ से निकले। ओके भाई, बाकी एक सेकेंड, भाई मैंने यहाँ पे शायद बोट को थोड़ा सा ठोक दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यार। अभी के लिए बस कैसे भी करके हमें इस बोट को लेकर यहाँ से निकलना है और फिर देखते हैं कि ये जो पुलिस वाला है ये मुझे एग्जैक्टली किस साइड जाने का मतलब बोल रहा है। बाकी वेट, यहाँ पर भी एक आगे वाली साइड में पुलिस वाला है, और इतना ही नहीं, जो एक पुलिस ऑफिसर और एक लेडी पुलिस ऑफिसर अपने ट्रक की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो अभी भी अपनी बोट पर ही है। भाई इसका मतलब है कि जो अपनी बोट है वो अभी भी यहाँ पर प्रॉपरली खाली नहीं है। बट हाँ एक काम यहाँ पर अपना हो चुका है, जो अपनी बोट थी ना वो इस टाइम पर अपने कंट्रोल में है। भाई वेल, इससे मुझे यहाँ पर अभी एक चीज रियलाइज हुई, अगर मैं चाहूँ ना तो इस बोट को लेकर हम लोग इस टाइम पर भी फरार हो सकते हैं, और ये जो 400-500 मिलियन डॉलर इस ट्रक के अंदर पड़े हुए ना, जो कि यहाँ पर बिग माफिया के भाई का ब्लैक मनी है, उसको भी हम लोग यहाँ से लेकर निकल सकते हैं। बट क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी सुनने में आया कि ये जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर किसी पुलिस कैप्टन के बारे में बात कर रहे थे। भाई पता नहीं क्या सीन है, बट हाँ यार मुझे पता तो लगाना है कि एग्जैक्टली ये लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे थे। और वो जो अंदर पुलिस ऑफिसर था ना उसने ये भी कहा था कि ये जो बोट के अंदर सामान है ना वो हमें यहाँ पर कैप्टन को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम लोग इसे गवर्नमेंट से कैसे छुपाने वाले हैं। तो भाई पता नहीं क्या सीन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस सैंटोस के पुलिस वाले इस सारे ब्लैक मनी को और यहाँ पर जो आगे वाली साइड में पुलिस कैप्टन की लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो है ना, इस सब को गवर्नमेंट से छुपा कर रख रहे हैं। भाई पुलिस कैप्टन ने भी लग रहा है ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ काफी सारे स्कैम्स करके रखे हुए थे, बट एग्जैक्टली उनका क्या सीन है वो हमें यहाँ पर थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो चलो यार, अभी के लिए ये जो बंदा है ना पीछे वाला वो इस टाइम पर साइड में खड़ा हो चुका है, बट इसने मुझे कहा है कि जो अपनी बोट है ना इसको एकदम स्लो स्पीड में आगे वाली साइड में ड्राइव करते रहो, थोड़ी देर में हमें अपने बॉस मिलने वाले हैं। भाई अब इनका बॉस कौन है यार? पुलिस कैप्टन को तो मैंने यहाँ पर कायो पेरिको में दफना दिया था, पता नहीं यार अब ये लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। यार गाइस पता नहीं मैं यहाँ पर कब से ड्राइव कर रहा हूँ और कितना ये लोग और मुझसे ड्राइव करवाने वाले हैं। बाकी एक सेकेंड, मेरे पीछे वाली साइड में यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है ये कह रहा है कि अपनी बोट को थोड़ा सा और स्लो करो, क्योंकि जहाँ पर हमें पहुँचना था वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, सामने वाले साइड में बॉस अपना वेट कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई, जरा एक बार यहाँ पर सामने का नज़ारा देखो, सामने वाली साइड में मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। और वेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन बोट्स के ऊपर यहाँ पर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर भी हैं। भाई ये पुलिस वाले एग्जैक्टली हमें कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं पता नहीं यार। बाकी हाँ, नीचे वाली साइड में इस बोट के और भी पुलिस वाले थे जिनके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, और ये देखो यार इस टाइम पर जो अपनी बोट थी ना वो पूरी की पूरी यहाँ पर पुलिस वालों ने घेर लिया है। और वेट भाई साहब, सामने वाली साइड में भी मुझे यहाँ पर हर तरफ पुलिस वाले दिख रहे हैं, और यहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर भी हैं, और ये देखो यार बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर अपनी बोट्स वगैरह लेकर आ चुके हैं। और एक सेकेंड, मेरे पीछे जो पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है ये इस टाइम पे कह रहा है कि वो जो बीच में बोट दिख रही है ना उससे अपनी बोट को अलाइन करो। भाई पागल हो गया क्या? अगर ये बोट उससे टकरा गई तो बोट डूब जाएगी, ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। बाकी चलो यार, अभी के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, अगर ये पुलिस ऑफिसर कह रहा है तो शायद हाँ यार जो बीच वाली बोट है उन पर इनका बॉस या फिर कैप्टन होगा, पता नहीं इनका बॉस कौन है। बट ठीक है, अभी के लिए काम करते हैं, जो अपनी बोट है ना इसको फटाफट से उस बीच वाली सेंटर बोट के साथ अलाइन करते हैं और फिर बाहर जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली इनका बॉस कौन है। चलो यार, अभी के लिए जो अपनी बोट थी ना उसको मैंने यहाँ पर सही तरीके से सेंटर वाली बोट के साथ अलाइन कर दिया है। अभी के लिए काम करते हैं, बाहर वाली साइड में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि ये जो पुलिस वाले हैं ये एग्जैक्टली किस बॉस की बात कर रहे हैं
और किससे लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं। इतना ज्यादा ट्रेवल करने के बाद फाइनली मैं बोर्ड के नीचे वाले साइड में पहुंच चुका हूँ। बाकी वेट भाई, यहाँ पर जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी और यहाँ पर एक पुलिस वाला, दोनों इस टाइम पर अपने से ट्रक को खोलने का ट्राई कर रहे हैं। भाई दिक्कत हो गई है, अगर इन लोगों ने इस वाले ट्रक को भी खोल दिया ना तो पक्की बात है ये 400 से 500 मिलियन डॉलर भी अपने हाथ से जाने वाले हैं। बाकी इस टाइम पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ना भाई साहब, ये पूरी की पूरी जगह पानी के बीचों बीच है। और जरा एक बार यहाँ का नजारा देखो यार, चारों तरफ मुझे यहाँ पर आसपास में बस पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस टाइम पर अपनी बोट को हेलीकॉप्टर से और खुद की पोर्ट्स वगैरह से घेर कर रखा हुआ है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई पुलिस वालों की कोई सीक्रेट मीटिंग है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर तब से सुन रहे हैं ये लोग किसी बॉस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या सीन है। बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग जरा सा आगे वाली साइड में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि सीन क्या है। वेट, यहाँ पर एक पुलिस वाला है और ये इस टाइम पर मुझसे कह रहे हैं कि आज बॉस का मूड अच्छा नहीं है, उनसे कम बात करना और सीधा पूछना कि इन सारे सामान का क्या करना है। वेट भाई, ये बंदा तो अपने बॉस से बात करने के लिए मुझे भेज रहा है और कह रहा है कि आज बॉस का मूड अच्छा नहीं है, उनसे एकदम शांति से बात करना। अबे यार ये क्या दिक्कत है। फिलहाल ये बंदा तो यहाँ पर साइड में हो गया है और इस टाइम पर ये मुझसे कह रहा है कि जरा टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से जाकर बॉस से मिलो और मुझे आकर बताना है कि क्या सीन है। भाई अबे यार पता नहीं मेरे संग यहाँ पर किस्मत में क्या हो रहा है, बट ये लोग फिलहाल मुझे आगे इनके बॉस से बात करने के लिए भेज रहे हैं और जो इनका बॉस है ना वो इस टाइम पर इस मिड वाली बोट के ऊपर है। तो चलो यार अभी के लिए काम करते हैं, फटाफट से ना मैं इस बोट से यहाँ से कूदता हूँ। ओके भाई, काफी ज्यादा परफेक्ट लैंडिंग करती है यार, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। बाकी चलो यार अभी जो अपनी बोट थी ना जिस पर यहाँ पर सारे के सारे पुलिस वाले सवार थे, उनकी बोट से कूदकर मैं फाइनली उस वाली बोट पर तो आ चुका हूँ जहाँ पर इनका बॉस वगैरह बैठा हुआ है। अभी के लिए काम करते हैं, फटाफट से हम लोग आगे वाली साइड में चलते हैं और अब जाकर देखते हैं कि इनका नया बॉस कौन है। वेट भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही गैंग का बंदा है ना जो कि यहाँ पर इविल माइकल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक सेकेंड, इन पुलिस वालों ने कहा कि सेंटर वाली बोट पर इनके बॉस बैठे हुए हैं। वेट ये देखो यार, ये उसी गैंग के बंदे हैं जो कि यहाँ पर इविल माइकल के साथ मिलकर काम कर रहे थे और ये उसी गैंग का लीडर है जिसने मुझे यहाँ पर इनकी गैंग ज्वाइन का भी ऑफर दिया था अगर मैं रॉयल फैमिली को छोड़ देता हूँ। ये लोग यहाँ पर रॉयल फैमिली के दुश्मन भी हैं और अब पुलिस कैप्टन के मरने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या सीन चल रहा है यार भाई। बाकी एक सेकेंड, इस टाइम पर ये मुझसे कह रहा है कि तुम वहाँ पर धूप में क्या करो, जरा मेरे पास आकर बात करो बैठकर और बताओ कि मुझे बोट पर क्या क्या है। गाइस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बट हाँ फिलहाल मैं यहाँ पर इस बंदे से कुछ बात करके इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे पाता। उससे पहले यहाँ पर एक और पुलिस का ऑफिसर आ चुका है और इस टाइम पर मेरी जगह ये बंदा यहाँ पर अभी इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा है कि बोट के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या सामान वगैरह है और किस तरीके से पुलिस कैप्टन के जाने के बाद जो उसकी लैम्बोर्गिनी ने सेंटेनेरियो है, सर वो आपके कहने पर हम लोगों ने बोट पर लूट कर दिया है, अब उसका क्या करना है हमें बताओ। वेट ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है यार, ये बंदा यहाँ पर पुलिस कैप्टन की सेंटेनेरियो लेने वाला है क्या, पता नहीं क्या सीन है। बाकी एक सेकेंड, इस टाइम पर ये जो गैंग का लीडर है ये इस पुलिस ऑफिसर से कह रहा है कि तुम शायद भूल गए हो कि ब्लैक ड्रैगन गैंग का जो भी पार्ट बनता है वो बंदा इतनी आसानी से कहीं जाता नहीं है। एक सेकेंड, इसका क्या मतलब है, इन बंदों की गैंग का नाम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन गैंग है। भाई ये कैसा अजीब सा नाम है यार। और अभी ये ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर इस पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है कि पुलिस कैप्टन के मौत के बारे में तुम मत सोचो, वो बंदा बिल्कुल ठीक है, मेरी गारंटी है मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने यहाँ पर पुलिस कैप्टन को मार दिया, उसे कायो पेरिको में दफना दिया है, तो ये बंदा यहाँ पर इस चीज की गारंटी कैसे ले रहा है कि ये पुलिस कैप्टन को वापस लेकर आएगा। वेट यार, यहाँ पर चल क्या रहा है एग्जैक्टली। और इस टाइम पर ये गैंग लीडर इस पुलिस वाले को कह रहा है कि तुम लोग यहाँ पर पुलिस कैप्टन के सामान पर ज्यादा ध्यान मत दो, जो सामान उसका है वो उसका ही रहेगा, वो बंदा अभी भी जिंदा है, तुम लोग उसकी सामान पे आंखें मत डालो। भाई ये जो पुलिस ऑफिसर है ये यहाँ पर इस गैंग लीडर से पूछ रहा था कि क्या ये यहाँ पर थोड़ा बहुत कट इस सामान का रख सकता है, बट इस गैंग लीडर ने ये बोलकर साफ मना कर दिया है कि पुलिस कैप्टन का सामान अभी भी पुलिस कैप्टन का ही है क्योंकि पुलिस कैप्टन अभी तक मरा नहीं है, पुलिस कैप्टन जिंदा है। यार ये सब क्या चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस टाइम पर ये जो गैंग लीडर है ये मुझसे कह रहा है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट अभी नया ज्वाइन करा है। अब इससे पहले कि ये बंदा मुझे यहाँ पर पहचान जाए, मैंने भी बोल दिया कि हाँ सर अभी 2 दिन नहीं हुए मुझे यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे हुए और पुलिस कैप्टन की मौत के बारे में सुन के मुझे काफी बुरा लगा। वेट ये कह रहे कि अगर तुम नए आए हो तो रूल्स को समझ लो,
पुलिस कैप्टन मरा नहीं है, गलती से भी मत सोचना कि तुम पुलिस कैप्टन की जगह ले सकते हो। भाई ये सब क्या चल रहा है यार, फिलहाल इस टाइम पर ये कह रहा है कि मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बता दिया कि पुलिस कैप्टन का सारा सामान सेफ है, क्योंकि वो बंदा मुझसे यहाँ पर पूछ रहा था कि सर मेरे सामान को तो कुछ नहीं होना। एक सेकेंड, इसका मतलब है कि इस बंदे की पुलिस कैप्टन से यहाँ पर बात हुई है। भाई ये सब क्या चल रहा है यार, स्टोरी में ट्विस्ट आएंगे ये मुझे पता था, बट ये सब क्या ट्विस्ट है? और ये बंदा जो कि यहाँ पर खुद को ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर बता रहा है, भाई इसको तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इविल माइकल के साथ काम करता हुआ देखा था, और रॉयल फैमिली से निकाले जाने के बाद इस बंदे ने मुझे यहाँ पर ऑफर भी दिया था। तो ये सारा काम छोड़कर ये बंदा अपनी गैंग के साथ पुलिस वालों के साथ मिल गया है। बाकी इस टाइम पर ये जो पुलिस वाला बंदा है ये कह रहा है कि ठीक है सर, हमें आपकी बात पे भरोसा है, अगर आप कहते हो तो पुलिस कैप्टन सही सलामत होगा, हम लोग उसको शाम को मिलने के लिए आएंगे, अभी के लिए सारा सामान हम लोग पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। वेट यार, यार समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट इससे पहले कि ये जो बंदा है ना ये मुझे पहचान जाए, अभी के लिए अच्छा ये होगा कि हम लोग चुपचाप वापस अपनी बोट पर जाएं। और अभी के लिए वो जो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर था ना, उसने मुझसे कहा है कि तुम बोट पर वापस जाओ, और इस बोट को लेकर हमें जाना है वापस से लॉस सैंटोस के पुलिस हेडक्वार्टर्स में। यानी कि उस बंदे के एक ऑर्डर पे ये पुलिस वाला मुझे बोल रहा है इस बोट को पुलिस हेडक्वार्टर्स लेकर जाने का। भाई मतलब यहाँ पर सिंपल है कि ये बंदा यहाँ पर फिलहाल लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, और साफ साफ यहाँ पर सारे के सारे पुलिस वालों को गारंटी भी दे रहा है कि पुलिस कैप्टन जिंदा है। यार भाई ये सब क्या हो रहा है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बट अभी के लिए काम करते हैं, फटाफट से हम लोग यहाँ पर दोबारा से एक बार बोर्ड पर चढ़ जाते हैं। और भाई देखो यार, मुझे नहीं पता कि वो बंदा यहाँ पर बात क्या कर रहा है, बट मुझे यहाँ पर उस सिक्योरिटी प्रोवाइडर को बिना पैसे वापस करने हैं जिससे हम लोगों ने यहाँ पर एसपीजी वाले बंदों को लिया था। तो किसी भी हालत में इस वाले ट्रक को हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर्स तक तो नहीं पहुँचने दे सकते यार, कैसे भी करके रास्ते में से मुझे इस ट्रक को उठाना पड़ेगा और उसके बाद हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अभी के लिए काम करते हैं, फटाफट से हम लोग यहाँ पर अपने बोट के कैप्टन वाले कैबिन में वापस चलते हैं, इस बोट को लेकर चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। बीच रास्ते में इस पूरी बोट पे मैं बूम बाम करने वाला हूँ, और उसके बाद कैसे भी करके इस ट्रक को मुझे यहाँ से लेकर निकलना पड़ेगा। बट अभी तक मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो बंदा जो कि यहाँ पर इविल माइकल के साथ मिलकर काम कर रहा था और जिसने यहाँ पर अपनी गैंग का नाम ब्लैक ड्रैगन्स बताया, भाई ये लोग इस टाइम पर यहाँ पर पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस बंदे ने ये भी कहा कि जो सामान यहाँ पर लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन का, यानी कि ये पुलिस की लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो, वो ब्लैक मनी जो कि अपनी पोर्ट के पीछे वाले ट्रक में पड़ा हुआ है, वो सारा सामान ये बंदा उसे वापस लौटाने वाला है। बट अगर पुलिस कैप्टन मर गया तो ये बंदा ये बात कैसे कह सकता है कि पुलिस कैप्टन जिंदा है? भाई कायोपेरी को पास में ही है ना यहाँ से, भाई समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर सीन क्या है, बट देखकर लग रहा है ना कि मुझे यहाँ पर वापस जाकर देखना पड़ेगा कायोपेरी को में कि पुलिस कैप्टन के साथ एग्जैक्टली सीन क्या हुआ है यार। बट चलो यार, अभी के लिए ये जो पुलिस वाला है ये मुझसे इस टाइम पे कह रहा है कि फटाफट से बोट को ड्राइव करो, और जैसे कि हमारे बॉस ने कहा है इस बोट को लेकर वापस से पुलिस वालों के हेडक्वार्टर्स पे चलो। भाई साहब अभी कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, बट मेरे दिमाग में यहाँ पर एक दूसरा प्लान है ऑफ कोर्स, अब क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी सारी नई चीजें पता चल गई हैं, जिसमें कि मुझे ये पता चल गया है कि पुलिस कैप्टन के जाने के बाद जो गैंग यहाँ पर इविल माइकल के साथ काम कर रही थी वो पता नहीं कैसे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अभी मिलकर काम कर रही है। तो हाँ यार, अभी ये जो पीछे वाला ट्रक है ना ये तो सीधा अपने घर पे जाएगा, वो कैसे जाएगा वो हम लोग यहाँ पे रास्ते में अभी आराम से डिसाइड कर लेंगे। शैडो गेमर्स हूं यार, टेंशन मत लो, काम तो यहाँ पर अपना कैसे भी करके हो जाएगा। बट चलो यार अभी के लिए काम करते हैं, यहाँ पर जो इनकी बॉस के साथ मीटिंग वगैरह थी ना उससे थोड़ा सा हम लोग दूर चलते हैं, और पानी के बीचों बीच जाकर हम लोग थोड़ा सा ना धमाके वाला सीन करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं जरा एक बार अपना फ़ोन निकाल के ना लेस्टर को सारा का सारा सीन वगैरह बता देता हूँ कि भाई मैं ना यहाँ पर एक थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुका हूँ, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर थोड़ी देर में ना एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इस बोट पे सारा का सारा काम खत्म करने के बाद इस ट्रक को हम लोग बीच पानी में से उड़ाने वाले हैं। तो चलो यार मैंने यहाँ पे लेस्टर को फोन करता हूँ, और उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऑल डन गाइस, काम यहाँ पर अपना हो चुका है, फिलहाल मेरी बात यहाँ पर अभी लेस्टर के साथ में हो चुकी है, और लेस्टर ने मुझे कहा है कि माइकल बहुत सही काम करा है तुमने, हमें वो ट्रक तो नहीं मिला जिसके अंदर गोल्ड था, बट एटलीस्ट हमें यहाँ पर वो वाला ट्रक मिल चुका है जिसके अंदर यहाँ पर 300 से 400 मिलियन डॉलर ब्लैक मनी कैश में है। तो हाँ यार ये भी कम नहीं है, और साथ ही साथ उस सिक्योरिटी प्रोवाइडर को हम लोग डायरेक्टली ये वाला ट्रक दे सकते हैं, उसने हमें यहाँ पर 24 घंटे का टाइम दिया था। और भाई 24 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं यार, पता नहीं वो बंदा भी अपने ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा होगा या फिर क्या, बट हाँ अभी के लिए टाइम आ चुका है सारे के सारे हिसाब वगैरह क्लियर करने का। तो चलो यार अभी जो बोट है ना उसको मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड में चला दिया है, फिलहाल
बोट से मैं यहाँ पर अलग हो चुका हूँ और अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बूम बाम करने वाले हैं। चल तेरी भैंस की आग भाई। पता नहीं यार ये कितने पुलिस वाले मुझे यहाँ पे ऑर्डर देने का ट्राई कर रहे थे, बट टाइम आ गया है इनको जरा यहाँ से ना गुड बाय बोल के निकलेगा। एक सेकंड, भैंस की टांग, तब से देख रहा हूँ भाई मुझे ना एक एक बंदा यहाँ पर ऑर्डर दिए जा रहा है और इन्हें क्या लगता है मैं इनके ऑर्डर के लिए बना हूँ। चल बेटा निकल यहाँ से भाई, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पुलिस कैप्टन के साथ क्या सीन है, बट उस बंदे को मैं यहाँ पर से ना कुछ भी लेकर नहीं जाने दूंगा। चलो यार अभी के लिए वो देखो सामने वाली साइड में यहाँ पर इनके ना ब्लैक ड्रैगन्स वाले बंदों के साथ में मीटिंग चल रही है और यहाँ पर पुलिस वालों के साथ क्या हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। भाई ने क्या लगा था शैडो गेमर्स के संग ये लोग पंगा लेकर ऐसे निकल जाएंगे क्या, वो भी अपना ब्लैक मनी लेकर। इस ब्लैक मनी के लिए हम लोगों ने कितने पापड़ बेले हैं वो बस अपनी शैडो फैमिली जानती है। बाकी हाँ यार अभी इस ट्रक को ना यहाँ से डायरेक्टली निकाल हम लोग नहीं सकते, हमें यहाँ पे लेस्टर का वेट करना होगा क्योंकि उसने कहा कि वो ना यहाँ पर थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर भेजने वाला है। तो चलो यार अभी के लिए थोड़ी देर यहाँ पर उस बंदे का वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कब तक यहाँ पर अपना एक हेलीकॉप्टर आएगा और उसके बाद इस पूरी बोट को हम लोग उड़ाने वाले हैं और अपने ट्रक को लेकर फरार होने वाले हैं। जब तक यहाँ पर लेस्टर एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करवाता है हम लोग ना फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं। और ये जो बोट है ना भाई मैं इसमें चारों तरफ यहाँ पे अभी स्टिकी बॉम्ब वगैरह लगाने वाला हूँ। इस बोट का तो हम लोग यहाँ पर ना नामो निशान मिटाने वाले हैं। और ये देखो यार यहाँ पर पुलिस कैप्टन की लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो, बट यार पता नहीं इसमें ट्रैकर लगा या फिर क्या बार बार पुलिस वाले मुझे यहाँ पर ढूंढ पा रहे थे। तो हाँ यार इस वाली गाड़ी का भी हम लोग यहाँ पर काम तमाम करने वाले हैं। तो चलो यार अभी के लिए जो अपनी बोट है ना इस पर मैंने यहाँ पर काफी सारे स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं, बट ना थोड़े बहुत स्टिकी बॉम्ब ऊपर वाले साइड में भी लगा देते हैं तो कोई इस बोट को ड्राइव करके यहाँ से निकलने का सोच नहीं सकता। तो चलो यहाँ पर भी अपना काम हो चुका है, अब बस मुझे यहाँ पर वेट करना है लेस्टर के आने का, उसके बाद हम लोग अपने ट्रक को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। यार पता नहीं ये लेस्टर हेलीकॉप्टर कब तक भेजेगा, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा देर से वेट कर रहा हूँ। पीछे वाली साइड में भाई पुलिस वालों के यहाँ पर बॉडीज वगैरह भी पड़ी हुई है। बाकी एक सेकेंड, सामने वाली साइड से मुझे यहाँ पर एक कार्गो बॉब वाला हेलीकॉप्टर आता हुआ दिख चुका है, क्या बात है। और ये देखो ये जो हेलीकॉप्टर है ना ये अपने एग्जैक्टली पोर्ट के ऊपर आया, तो शायद ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि यहाँ पर लेस्टर ने भेजा है। तो चलो यार अभी ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा और नीचे लेकर आने के लिए बोल देते हैं। बाकी एक सेकेंड, ये कार्गो बॉम्ब है ना इसके अंदर मैग्नेट होता है। भाई लेस्टर ने बहुत तगड़ा हेलीकॉप्टर भेजा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना वो इस टाइम पर मैंने इस हेलीकॉप्टर के पायलट को बता दिया है। और इस टाइम पर ये जो बंदा है ना ये अपने हेलीकॉप्टर को ठीक से अलाइन कर रहा है, उसके बाद ये बंदा यहाँ पर अपने मैग्नेट से इस ट्रक को अटैच करेगा और फिर हम लोग ना यहाँ से निकलते हैं। डन गाइस, काम यहाँ पर अपना हो चुका है। इस टाइम पर भी आप लोग देख सकते हो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने अपने ट्रक को अपने हेलीकॉप्टर के साथ एक मैग्नेट से अटैच करके अपनी बोट से फाइनली इसको उठा लिया है। और अभी टाइम आ चुका है इस वाले ट्रक को लेकर यहाँ से निकलने का। भाई वो देखो यार सामने वाली साइड में यहाँ पे लॉस सैंटोस के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का बैकअप है। लिटरली यहाँ पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि माइकल यहाँ पर खुद एक पुलिस ऑफिसर बन के बोट पे चढ़ने वाला है और अपने ही ट्रक को लेकर यहाँ से निकलने वाला है। बाकी यहाँ पर मैंने भी एक चीज नोटिस करी, लेस्टर ने अपने एक रॉयल फैमिली के बंदे को भेजा था इस हेलीकॉप्टर को लेकर। बाकी भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पर भले कोई भी सिक्योरिटी आ जाए बट जो अपने रॉयल फैमिली के बंदे है ना सच में बहुत ज्यादा कमाल के। फिलहाल टाइम आता है इस वाले हेलीकॉप्टर को लेकर इस बोट से थोड़ा सा दूर जाने का, क्योंकि भाई अभी इस वाली जो बोट है ना इसको हम लोग यहाँ पर फाइनली डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। गुड बाय भाई साहब, ये देखो यार जो बोट थी और जो यहाँ पर पुलिस कैप्टन की लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो थी इस टाइम पर मैंने दोनों के दोनों ब्लास्ट कर दिया है और थोड़ी देर में ये जो बोट है ना पानी में डूब कर नीचे चली जाएगी। बाकी चलो यार अभी के लिए ये वाला जो ट्रक है ना जिसके अंदर यहाँ पर 400 से 500 मिलियन डॉलर है, इस पूरे के पूरे ट्रक को लेकर हम लोग अभी अपने सीक्रेट बेस पर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर था ना, हाँ वही बंदा जिससे हम लोगों ने यहाँ पर SPG को रेंट पर लिया था, वही पुराना रिटायर्ड मिलिट्री का कर्नल। अभी के लिए हम लोग जाने वाले हैं सीधा उसी के एयरक्राफ्ट कैरियर पे और वहाँ पर जाकर उस बंदे को उसका 10% कट देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को याद होगा हम लोगों ने उस बंदे से SPG यही कहकर लिया था कि हम लोग यहाँ पर जो भी रॉबरी करेंगे उसका 10% हम लोग यहाँ पर उसको और उसके SPG वाले बंदों को देने वाले हैं। बट जब वो 10% उसे नहीं मिला भाई वो बंदा यहाँ पर भड़क गया था और वो बंदा अपने लिटरली पुराने वाले मिलिट्री कर्नल के फॉर्म में आ गया था यार। तो हाँ यार वैसे भी अपने ऑलरेडी काफी सारे दुश्मन है, मैंने चाहता कि यहाँ पर किसी का हम लोग यहाँ पर कर्जा वगैरह ले लें और जो अपनी दुश्मनी है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो चलो यार अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से इस वाले हेलीकॉप्टर को लेकर हम लोग सीधा निकलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे और वहां पर जाकर उस रिटायर्ड मिलिट्री कर्नल का कर्जा पूरा का पूरा चुका कर आते हैं। भाई मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो भी हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेकर फाइनली एक बार फिर से एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पर कायो पेरिको के काफी ज्यादा पास में है। और आप सभी को याद होगा लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे डगन बॉस के साथ में आए थे अपने SPG वाले बंदों को रेंट पर लेकर आने के लिए। बाकी मैंने अपने से काफी सारे लोगों के कमेंट पड़े थे कि मैं SPG वाले बंदों को ना फिर से रेंट वगैरह पर रख लेना चाहिए, बट भाई इनकी जो फीस है ना वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा है और लॉस सैंटोस में हम लोगों ने जो SPG वाले बंदों के साथ तबाही मचाई है ना, पक्की बात है लॉस सैंटोस के पुलिस वाले फिर से अपने ऊपर
काफी ज्यादा यहाँ पे प्रेशर वगैरह डालने वाले हैं और इस चीज पर भी नजर रखने वाले हैं कि अभी के लिए एसपीजी वाले बंदे लॉस सैंटोस में कहीं पर भी ना दिखाई दे। बाकी हाँ यार, ये देखो नीचे वाले साइड में यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह रखे हैं ना, वो आप सभी को याद होगा हम लोगों ने तबाही में यूज करे थे। और भाई साहब मानना पड़ेगा, भले ये रिटायर्ड मिलिट्री कर्नल यहाँ पे काफी ज्यादा अकड़ू सा बंदा है, बट हाँ यार इसने जो हमें यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करी थी ना वो बहुत ज्यादा तगड़ी थी और हम लोगों ने लिटरली पूरे लॉस सैंटोस के आसमान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिलहाल हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेकर फाइनली यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर पे पहुंच चुके हैं और वो देखो नीचे वाले साइड में मुझे यहाँ पर अपना वो रिटायर्ड मिलिट्री का कर्नल भी दिख रहा है जो कि इसे पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाता है। तो अभी के लिए जो अपना ट्रक है इसको हम लोग फटाफट से यहाँ पे लैंड करके अपने हेलीकॉप्टर से डीअटैच कर लेते हैं और फिर जाकर मैं एक बार उसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर से भी बात कर लेता हूँ एंड इनका 10% हम लोग इनको वापस लौटा देते हैं। डन गाइस, काम यहाँ पर अपना हो चुका है। फिलहाल हम लोगों ने अपने ट्रक को अपने हेलीकॉप्टर के साथ डीअटैच कर लिया है। फिलहाल के लिए जो अपना हेलीकॉप्टर है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करवा लिया है। अभी जल्दी से काम करते हैं, जो अपना हेलीकॉप्टर है इसको अभी के लिए हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और जाकर नजर अपने ट्रक के अंदर बैठते हैं और इस ट्रक को लेकर हम लोग चलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के सामने। वो देखो यार, सामने वाली साइड में वो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है। वैसे मैं पता नहीं कि उसको मिलिट्री कर्नल बोल रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल ये बंदा यहाँ का सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बट हाँ जैसा कि मुझे डगन बॉस ने बताया था ये बंदा यहाँ पर पहले मिलिट्री के लिए काम करता था। तो हाँ यार, हर बार मेरे मुंह से मिलिट्री कर्नल निकलता है। बाकी ठीक है, अभी के लिए हम लोग फाइनली अपने ट्रक को लेकर इस बंदे के सामने पहुंच चुके हैं और ये देखो यार, ये बंदा अभी भी अपने पूरे के पूरे स्वैग एटीट्यूड में बैठा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से 20 वाले ट्रक को हम लोग खोलते हैं और इसके बाद इस बंदे को यहाँ पे हम लोग उसका 10% लौटा देते हैं। ऑलराइट गाइस, अपना काम यहाँ पर फाइनली हो चुका है। अपने ट्रक के अंदर यहाँ पर जितना भी कैश पैसा था उसका 10% निकालकर हम लोगों ने यहाँ पर फिलहाल इसे रिटायर्ड मिलिट्री कर्नल यानी कि इसे सिक्योरिटी प्रोवाइडर को दे दिया है। और इस टाइम पर भी आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने फिलहाल अपने बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल दिया इसे सारे के सारे कैश पैसे को काउंट करने के लिए। और भाई साहब जरा एक बार इन बंदों का डेडिकेशन तो देखो यार, 5 मिनट नहीं हुए और इन लोगों ने ऑलरेडी से पूरा का पूरा काउंट वगैरह करना भी शुरू कर दिया है। इस टाइम पर अपने ट्रक के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे $400 मिलियन से भी ज्यादा कैश है। भाई ये जो कैश का अरेंजमेंट है ना, काफी ज्यादा सही तरीके से पुलिस कैप्टन ने इसे ट्रक के अंदर भरकर रखा हुआ था। बाकी यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे $40 मिलियन निकालकर इन बंदों को दे दिया है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं इन बंदों का पूरा कैश वगैरह काउंट करने का। और ये देखो यार, यहाँ पर जो रिटायर्ड मिलिट्री कर्नल था ना, ये बंदा भी यहाँ पर इस पूरे के पूरे कैश को देख रहा है और कह रहा है कि माइकल एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अपनी जुबान के बहुत ज्यादा पक्के हो और जैसा कि तुमने कहा था 10% तुम लाकर मुझे 24 घंटे में दे दोगे, तुमने 24 घंटे में मुझे 10% लाकर दे दिया। वेल ये काम तो हमें करना ही था क्योंकि इसमें अपना पैसा भी तो है यार। हाँ फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर इनको 10% दे दिया है, ये बंदे यहाँ पर इसको काउंट वगैरह करने में लगे हुए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे वाली साइड में आ जाते हैं और एक बार देखते हैं कि यहाँ पर इनके पास कोई नए सिक्योरिटी वाले बंदे आए भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये देखो यार इस वाली साइड में मुझे यहाँ पर अभी भी बहुत सारे एसपीजी के बंदे वगैरह दिखाई दे रहे हैं जिनको हम लोग यहाँ पर रेंट पर लेकर गए थे। ये वो एग्जैक्टली बंदे नहीं थे क्योंकि भाई हम लोगों ने इससे भी ज्यादा बंदे अपने लिए मंगवाए थे। और आप लोगों को याद होगा कि लॉस सैंटोस के आसमान में उस टाइम पर क्या हुआ था जब अपने साथ यहाँ पर एसपीजी वाले बंदे थे। वैसे मेरा भी मन कर रहा है यहाँ पर अपने एसपीजी वाले बंदों को और एक और बार रेंट पर लेने का, बट नहीं यार, इनको रेंट पर रखने का प्राइस बहुत ज्यादा है। और वैसे भी जिस काम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एसपीजी वाले बंदों को रेंट पर लिया था यानी कि माफिया के भाई का सारा ब्लैक मनी रिकवर करने के लिए, वो भी पुलिस कैप्टन के घर से, वो काम यहाँ पर अपना हो चुका था और उसका 10% हम लोगों ने रिटायर्ड मिलिट्री कर्नल को भी दे दिया है। बाकी भाई ये लोग यहाँ पर पता नहीं कब से इस कैश को काउंट वगैरह कर रहे हैं, या तो इनका मैच कमजोर है या फिर ये लोग बार बार कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा देर से ये लोग काउंट नहीं कर रहे, क्या यार $40 मिलियन है, काउंट करने में भी टाइम लगता है। बाकी चलो यार अभी के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे वाली साइड में चलते हैं। और भाई ये देखो यार, यहाँ पर इनके पास कितने खतरनाक लैंड व्हीकल्स हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सारी व्हीकल्स मैं अपने रॉयल फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ले लूँ। ये आइडिया कैसा रहेगा इसके बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई अभी इनको रखने के लिए अपने पास जगह नहीं है। बट हाँ, फ्यूचर में अगर कभी भी वॉर वगैरह होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर आकर इन सारे व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं जिनको हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में रेंट पर भी ले सकते हैं। बाकी भाई ये देखो यार, यहाँ पर ना मिसाइल्स वगैरह भी हैं। और मिसाइल से याद आया, एसपीजी वाले बंदों के साइड में मैंने यहाँ पर ना काफी सारे वेपन्स वगैरह देखे थे। एक बार के लिए ना हम लोग यहाँ पर जरा वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई काम का वेपन है। वे वेपन छोड़ो, मुझे यहाँ पर ना कुछ अलग ही लेवल के वेपन्स मिल गए हैं जो कि शायद इम्पोर्टेड है। और ये देखो यार, इनके ऊपर ना यहाँ पे गोल्ड की कोटिंग है। भाई पता नहीं यार ये वेपन्स यहाँ पर कितने ज्यादा $1 मिलियन के होंगे, बट जिन बंदों को यहाँ पे महंगे वेपन्स और महंगे सिक्योरिटी का शौक है वो बंदे यहाँ पर आकर ये गोल्ड के कोटेड वेपन्स वगैरह भी ले सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर कुछ बेसिक आरपीजी के मिसाइल्स और कुछ ग्रेनेड्स वगैरह रखे हुए हैं, बट आज के लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। फ्यूचर में अगर हमें यहाँ पर कुछ भी चाहिए होगा तो हाँ यार, हम लोग इस वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ सकते हैं। यहाँ पर हमें एसपीजी वाले सिक्योरिटी के बंदे मिल जाएंगे, उनके पीछे यहाँ पर खतरनाक वाली मशीन गन्स वाली गाड़ियां मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर ये देखो काफी सारे लैंड के इमरजेंसी व्हीकल्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ ये टैंक जैसी गाड़ियां हैं और ये पीछे वाले में एपीसी भी रखी हुई है जो कि पानी में भी चल जाती है।
और उसके अलावा यहाँ पर रेंट पे हेलीकॉप्टर्स और सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट और जेट्स वगैरह भी मिलते हैं, जो कि आप सभी को याद होगा हम लोगों ने अपने वाले वॉर में यूज करे थे। और ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट की जो जगह है ना, हम लोगों ने सारे के सारे रेंट पर ले लिए थे पूरे लॉस सैंटोस के आसमान को भरने के लिए। बाकी चलो यार, यहाँ पर ना काफी ज्यादा देर हो गई है, एक बार के लिए मैं जरा सिक्योरिटी प्रोवाइडर से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई 10% अपना चेक कर लिया। ऑलराइट, तो गाइस मेरी बात यहाँ पर अभी इस सिक्योरिटी प्रोवाइडर के साथ में हो चुकी है, और इस टाइम पर ये बंदा कह रहा है कि हाँ माइकल, मैंने यहाँ पर सारा का सारा कैश पैसा वगैरह चेक कर लिया है और ये एक्जैक्टली 10% है जितना तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे 24 घंटे के अंदर ला कर दोगे। तो चलो यार, एटलीस्ट यहाँ पर तो अपना काम कम्प्लीट हो चुका है। जैसे 10% के बारे में हम लोगों ने इससे बात करी थी, वो 10% हम लोगों ने इसको ला कर यहाँ पर दे दिया है। बाकी अभी मुझे पता नहीं कि ये बंदा इस 10% में से एसपीजी वाले बंदों को कितना देने वाला है, क्योंकि अपनी जितनी भी मदद है ना तो यार एक्चुअली में इन एसपीजी वाले बंदों ने करी है। हाँ वो अलग बात है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ना, इसने यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान वगैरह बनाया था, और उसके बाद इसने एकदम सही टाइम पर ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट भी अपने लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे भेज देते। बट हाँ यार, अगर ये मेरे हाथ में होता ना, तो ये पूरा का पूरा 10% में इन एसपीजी वाले बंदों को दे देता। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इन लोगों को वैसे भी यहाँ पर सैलरी वगैरह मिलती है, और वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ना कुछ करके तो एसपीजी वाले बंदों को दे देगा। बाकी चलो, अभी के लिए अपना काम तो यहाँ पर हो चुका है। बट एक छोटी सी दिक्कत ये है कि अपना यहाँ पर जितना भी कैश पैसा इसे ट्रक के अंदर रखा हुआ है ना, ये कम से कम यहाँ पर 300 से $400 मिलियन है, और मैं सोच रहा हूँ इसको अपने घर पे लेकर जाने का। बट इस चीज में ना रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर रास्ते में किसी ने भी अपने ट्रक की चेकिंग कर ली तो अपना सारा का सारा पैसा वगैरह यहाँ पर फंस सकता है, और ऑफ कोर्स ये चीज मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये अपना जितना भी पैसा है ना, इस पूरे के पूरे ट्रक को लेकर हम लोग चलते हैं सीधा अपने सीक्रेट बेस पर, और अपने ट्रक के अंदर यहाँ पर जितना भी कैश पैसा रखा हुआ है ना, कम से कम 350 से $400 मिलियन यहाँ पर है, तो इस पैसे को हम लोग अभी शिफ्ट कर देंगे अपने सीक्रेट बेस पर। उसके बाद मैं यहाँ पे लेस्टर से पूछने वाला हूँ कि इस सारे कैश को हम लोग कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा कैश रखने का कोई फायदा नहीं है, और अगर हम लोगों ने इसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया ना, तो उसके बाद ये जो अपना पैसा है वो रखा रखा भी डबल होता रहेगा। देखते हैं पैसे को हम लोग एक्जेक्टली कहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे लेस्टर से बात करनी पड़ेगी। और वैसे भी अभी रीसेंट टाइम में जो अपने पास पैसा आ गया ना भाई, बिलियनेयर बनने के बाद मैं ज्यादा अपना पैसा यूज कर नहीं पाया, बट हां देखकर लग रहा है कि उसको यूज वगैरह करने के लिए ना मुझे यहां पर अलग से एक सीए वगैरह रखना पड़ेगा। बाकी चलो यार, अभी के लिए काम करते हैं। ये जो अपना हेलीकॉप्टर लेस्टर ने बेचा था ना, फटाफट से हम लोग इसके अंदर बैठते हैं, और जो अपना ट्रक है ना, इसको अपने हेलीकॉप्टर से अटैच करके सीधा अपने सीक्रेट बेस की तरफ लेकर चलते हैं। बाकी ये तो यार देखो बस कैश पैसे की बात है, बट मुझे लेस्टर को बताना पड़ेगा कि कैसे मैं यहाँ पर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों के साथ एक सीक्रेट बोट मीटिंग में गया था, और वहां पर मैंने क्या सुना, कैसे वो बंदा जो कि यहाँ पर इविल माइकल के साथ काम कर रहा था, लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट को फिलहाल कंट्रोल कर रहा है, और किस तरीके से उसने ये भी कहा कि जो पुलिस कैप्टन है वो जिंदा है। बाकी आपको याद होगा पीछे वाली साइड में ना कायो पेरिको है, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने यहाँ पे पुलिस कैप्टन को जिंदा दफनाया था, वो भी कायो पेरिको की जमीन में। तो पता नहीं यार वो बंदा यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा था, बट अभी के लिए कुछ भी सोचने या फिर करने से अच्छा यही होगा कि हम लोग इसके बारे में यहाँ पर लेस्टर से बात करें, और उसके बाद वही बंदा कुछ बता पाएगा। बाकी चलो यार, फिलहाल बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, फटाफट से अपना ये जो ट्रक है ना, इसको अपने हेलीकॉप्टर से अटैच करते हैं, और उसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर से निकलते हैं। चलो गाइस, तो जो अपना ट्रक था उसको हम लोगों ने यहाँ पर फिर से एक बार अपने हेलीकॉप्टर के मैग्नेट के साथ अटैच कर लिया है, और अभी टाइम आता है इस वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ने का। बाकी सच में यार एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर इन लोगों ने एकदम पानी के बीचों बीच रखा हुआ है ना, ये मतलब काफी ज्यादा सही जगह पर है। जब भी यहाँ पर किसी को सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत पड़ती है, ये लोग एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर यहाँ पे पानी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, और जैसे इनका काम होता है ना, उसके बाद ये बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। तो हाँ यार, अगर किसी को भी यहाँ पर अपने पर्सनल काम के लिए सिक्योरिटी वगैरह खरीदनी है, तो वो बंदा यहाँ पर आसानी से आ सकता है और अपना सारा काम कर सकता है, और किसी को भी कानो कान खबर भी नहीं होगी। तो हाँ यार, ये चीज ना यहाँ पर काफी ज्यादा सही है। बाकी गाइस, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो कमेंट में जाकर लेस्टर ओपी लिख देना, क्योंकि भाई लेस्टर ने सच में बहुत ज्यादा तगड़ा प्लान बनाया था, और उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर अपना सारा का सारा पैसा वगैरह भी रिकवर कर पाए हैं। तो फटाफट से जाकर कमेंट सेक्शन में लेस्टर ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाकर लेस्टर ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और रिप्लाई भी कर सकूं। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, हम लोगों ने अपना पूरा पैसा रिकवर कर लिया है। तो 15,000 लाइक्स का टारगेट है, अभी के अभी जाकर लाइक टारगेट को कंप्लीट करवा दो। और वैसे गाइस, मैंने यहाँ पर अपने लास्ट वीडियो के कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, और उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर एक पैल वर्ल्ड नाम का गेम ट्राई करने के लिए बोला है, और इसलिए मैंने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर आप सभी से पूछा था कि क्या मैं अपने चैनल पे GTA 5 के साथ साथ पैल वर्ल्ड की सीरीज भी शुरू कर देनी चाहिए, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस चीज के लिए हाँ बोल दिया है। तो अब आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से अपने चैनल पे पैल वर्ल्ड की सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। बट टेंशन मत लो, इसके चक्कर में GTA का वीडियो लेट नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट ट्राई करने वाला हूँ। बट हाँ, याद रखना, नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पे पैल वर्ल्ड का आने वाला है, और शैडो फैमिली आप सभी को उस वाली सीरीज पे बहुत सारा तगड़ा सपोर्ट दिखाना है। चलो गाइस, फाइनली यहाँ पर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेकर अपने सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके हैं। बट हाँ, क्योंकि अपने
में सीक्रेट बेस के आसपास यहाँ पर कोई भी हेलीपैड का या फिर कोई लैंडिंग स्पॉट वगैरह नहीं है, तो हाँ यार अभी के लिए जो अपना हेलीकॉप्टर है इसे मुझे अपनी सीक्रेट बेस की पार्किंग में लैंड करवाना पड़ेगा। और हमेशा की तरह इस चीज में मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बट ठीक है यार अभी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी भाई एक सेकंड रुक जाओ यार, ये जगह ना यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब कंजेस्टेड है, तो थोड़ा सा ना संभल कर मुझे अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना पड़ेगा वरना अपना हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता है। तो चलो यार फटाफट से जो अपना ट्रक है इसको मैं यहाँ पर डी अटैच कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर अपना काम हो चुका है। जो अपना भी हेलीकॉप्टर है वो इस टाइम पर अपना रॉयल फैमिली का बंदा ऑपरेट कर रहा है, एंड यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो मैं फाइनली अपने ट्रक के अंदर आ चुका हूँ। तो चलो यार फटाफट से जो अपना ट्रक है इसको यहाँ पर डी अटैच करते हैं। बाकी वेट भाई, ट्रक को तो हम लोगों ने यहाँ पे डी अटैच कर लिया है, वो अलग बात है कि जो ट्रक था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी टेढ़ा होने वाला था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अपना ट्रक था इसको हम लोगों ने यहाँ पर सही सलामत अपने हेलीकॉप्टर से डी अटैच कर लिया है, और अभी के लिए टाइम आता है इस चीज की खुशखबरी लेस्टर को जाकर देने का। बाकी एक सेकंड यार, यहाँ पर मैंने अपने कपड़े अभी तक चेंज नहीं करे, मैं यहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म में घूम रहा हूँ, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार। वैसे भी हम लोग यहाँ पर अपने सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके हैं और वेट ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां अपने घर पर पहुंच चुकी हैं, बट जरा एक बार ये देखो यार जो अपनी शैडो चैलेंजर है वो इस टाइम पर अभी भी यहीं पर खड़ी हुई है। और भाई ये गाड़ी पता नहीं यार कैसे हर बार हमेशा तगड़ी लगती है, देखने में भी काफी ज्यादा तगड़ी, और गाड़ी बिना काफी ज्यादा मस्कुलर फील करती है। बाकी चलो यार जो अपना रॉयल फैमिली का बंदा है वो यहीं पर अपना वेट करने वाला है हेलीकॉप्टर के अंदर। फटाफट से भी हम लोग चलते अपने सीक्रेट बेस के अंदर और जाकर लेस्टर को और अपने सिक्योरिटी के मैनेजर को इसके बारे में बताते हैं कि हमें वो सारा का सारा बिग माफिया के भाई का ब्लैक मनी वापस मिल चुका है, जो कि हम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा टाइम से ढूंढ रहे थे। और ये देखो यार लेस्टर अभी भी यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर लगा हुआ है, और जो अपना सिक्योरिटी का मैनेजर है ये बंदा भी यहाँ पर अभी भी लैपटॉप पर बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक बार लेस्टर से बात करता हूँ, और बाहर वाले साइड में जो अपना रॉयल फैमिली का सिक्योरिटी का बंदा है ना उसको भी हम लोग बोल देते हैं सारा का सारा ब्लैक मनी जरा अपने सीक्रेट बेस के अंदर लेकर आने के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पर अपना काम हो चुका है। जो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म थी वो मैंने यहाँ पर साइड पे छोड़ दिया है, और जरा एक बार अभी ये देखो मैंने यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, बट उससे भी ज्यादा देखने की चीज ये है कि यहाँ पर अपना जितना भी ब्लैक मनी था ना वो इस टाइम पर अपना रॉयल फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर अपने सीक्रेट बेस में लेकर आ चुका है। भाई जरा एक बार ये नजारा देखो, इस टाइम पर अपने सीक्रेट बेस के अंदर यहाँ पे 300 से 400 मिलियन डॉलर का कैश ऐसे ही पड़ा हुआ है, और लेस्टर की खुशी का तो भाई साहब कोई ठिकाने नहीं है। बाकी हाँ यहाँ पर जो अपना सिक्योरिटी का मैनेजर है ना ये बंदा शायद इस टाइम पर यहाँ पर सारे के सारे कैश वगैरह को चेक कर रहा है, और भाई लेस्टर तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। बाकी चलो यार अभी के लिए जो अपने बंदे है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है। ये जो सिक्योरिटी का गार्ड है ये भी यहाँ पर अभी पैसे को चेक कर रहा है, और इस टाइम पर ये लोग ना यहाँ पर चेक करने का ट्राई कर रहे हैं कि कोई नकली नोट वगैरह तो नहीं आ गया, क्योंकि वैसे में कोई रिप्लेस तो नहीं मिलने वाला, बट हाँ यार कोई नुकसान भी अपने रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। बाकी चलो यार जो अपना लेस्टर है वो यहाँ पर अभी कुछ ज्यादा ही खुश है, बट फिलहाल मैं एक बार इससे बात करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई ये जो यहाँ पर 300 से 400 मिलियन डॉलर कैश है ना ये अपने सीक्रेट बेस पे ना भी रखना बहुत ज्यादा मतलब खतरे की बात है। और वैसे मैं एक चीज सोच रहा हूँ, इस सीक्रेट बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे 300 से 400 मिलियन डॉलर रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग अभी एक नया सीक्रेट बेस बनवा ले, क्योंकि भाई लग रहा है ना कि टाइम आ चुका है थोड़ी सी चीजों पे ध्यान देने का। तो हाँ यार अब यहाँ पर अपने पास जितना भी पैसा है ना सही टाइम आ चुका है उसको यूज करने का। फटाफट से एक बार मैं इसके बारे में लेस्टर से बात करता हूँ और पूछ कर देखता हूँ कि लेस्टर क्या आइडिया है इस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ओके, तो गाइस मेरी बात यहाँ पर अभी लेस्टर के साथ में हो चुकी है। मैंने यहाँ पे लेस्टर से पूछ कर देखा कि भाई देख यार अपने पास यहाँ पर 300 से 400 मिलियन डॉलर जो अपना बिग माफिया के भाई का ब्लैक मनी था वो यहाँ पर अपने पास भाग दौड़ के कैसे भी करके वापस आ चुका है, बट अभी बात आती है कि यहाँ पर हम लोग इस पूरे के पूरे पैसे को फिजिकल एसेट्स में बदल के कैसे रखने वाले हैं, क्योंकि भाई अगर इतना सारा पैसा किसी ने अपने सीक्रेट बेस पर देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसी वजह से हमें सारे के सारे पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि ये पैसा यहाँ पर अपने आप डबल भी होता रहे, सही जगह पर इन्वेस्ट हो जाए और किसी को कभी भी ये पता ना चले कि पुलिस कैप्टन के घर से जो अपना ब्लैक मनी हम लोग लेकर आए हैं उसका अमाउंट एग्जैक्टली कितना है। बाकी इस टाइम पे लेस्टर कह रहा है कि माइकल इस पैसे को इन्वेस्ट करने के ना यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग चाहे तो यहाँ पर लॉस सैंटोस के स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है ना वो यहाँ पर रहने वाली अपने शोरूम्स के बिजनेस को स्टार्ट करने का। ओके, वैसे लेस्टर यहाँ पे बात तो सही कह रहा है यार, क्योंकि आपको याद होगा जो अपने दो शोरूम्स थे ना भाई उनके ऊपर यहाँ पर इतना बड़ा कोर्ट केस वगैरह चल रहा था जिसके लिए हमें यहाँ पे लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन से लड़ना भी पड़ा था, और उस कोर्ट केस में अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए हमें अपने दोनों शोरूम्स को ब्लास्ट भी करना पड़ा था ताकि हम लोग कोर्ट में ये प्रूफ कर पाए कि जितने भी यहाँ पर टैक्स डॉक्यूमेंट्स थे अपने शोरूम के लिए वो सारे के सारे नकली थे, क्योंकि अपना शोरूम वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हाँ यार उन शोरूम्स को बिना हमें वापस बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग अपने शोरूम्स के बिजनेस को रिस्टार्ट कर सकते हैं। बाकी लेस्टर कह रहे हैं कि हम लोग अगर चाहे ना तो यहाँ पर अपने नए कुछ शोरूम्स वगैरह भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अपने पास इस टाइम पर जितना पैसा है ना उतना पैसा शायद ही
आज के टाइम में किसी भी लॉस सैंटोस के शोरूम ओनर के पास होगा, तो इस टाइम पे लेस्टर कह रहा है कि माइकल ये ना बहुत ज्यादा सही टाइम है अपने शोरूम बिजनेस को रिस्टार्ट करने का या फिर लॉस सैंटोस के अंदर और अभी 2-3 नए शोरूम्स लेने का। बात तो उसकी सही है यार, बट वेट, अपने शोरूम्स वाले बिजनेस को रिस्टार्ट करने से मुझे जस्ट अभी एक चीज याद आई, जो अपने शोरूम्स हैं भाई वो तो यहाँ पर गंदे तरीके से ब्लास्ट हुए पड़े हैं, तो उनको भी हमें यहाँ पर फिर से एक बार बनवाना पड़ेगा। और चीजों को वापस बनवाने में एक ही बंदा अपनी मदद कर सकता है और वो है अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर वाला कॉन्ट्रैक्टर। और इससे मुझे एक और चीज याद आई, आप सभी को याद होगा उस बंदे को हम लोगों ने यहाँ पे रॉयल फैमिली के होटल को रिपेयर करने का और साथ ही साथ अपने घर को रिपेयर करने का काम दिया था यार। एंड इस चीज को भी यहाँ पर एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, पता नहीं वो बंदा अभी तक क्या कर रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी जो अपना सीक्रेट बेस है ना, यहाँ पर से अपने घर के काफी ज्यादा क्लोज है, तो चलो यार अभी के लिए काम करते हैं। यहाँ पर अपनी शैडो चैलेंजर रखी हुई है, फटाफट से हम लोग अभी अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और जाकर जरा एक बार देख कर आते हैं कि उस बंदे ने अपने घर को रिपेयर करना शुरू कर भी दिया या फिर क्या। क्योंकि जब से हम लोग इन सारे कामों में पड़े हैं ना, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ना ही रॉयल फैमिली के ऊपर और ना ही हम लोग उन चीजों पर ध्यान दे पा रहे जिन पे हम लोगों ने पैसा वगैरह लगाया। तो चलो यार अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट मोड़ते हैं और सीधा अपने घर पर चलते हैं। बाकी वेट, ये देखो मुझे यहाँ पे ना ऑलरेडी काफी सारी अपनी क्रेन्स वगैरह घर के ऊपर लगी हुई दिख गई हैं, तो देखकर लग रहा है ना कि जो अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर का कॉन्ट्रैक्टर था उसने यहाँ पर जोर शोरों से काम वगैरह शुरू कर दिया। और वो देखो यार वहां पर भी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह दिख रहे हैं। बाकी वेट भाई यार, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ मुझे पता है कि अपने घर की हालत यहाँ पर कुछ ज्यादा खराब थी, बट अपने घर का रेनोवेशन यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से होने वाला है इसके बारे में मुझे पता नहीं था। लिटरली इस टाइम पर अपने घर के बाहर गाड़ी वगैरह पार्क करने की भी जगह नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए जो अपनी शैडो चैलेंजर है ना, इस वाली गाड़ी को हम लोग इसी वाली गली में छोड़ते हैं और जाकर सरना एक बार देख कर आते हैं कि अपने घर का एक्चुअल रेनोवेशन वगैरह कैसे हो रहा है। बाकी ये देखो यार, सामने वाली साइड से मुझे ऑलरेडी अपना घर यहाँ पर देख चुका है और देख कर लग रहा है ना कि अपना जो घर था वो एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। बाकी वेट यार, मैं ठीक से इस पर चढ़ नहीं पाता, इन लोगों ने क्या लगा कर रखा हुआ है बीच में, पता नहीं यार यहाँ पर इन लोगों ने कौन कौन सी मशीन वगैरह यूज कर रखी हैं। और ये देखो यहाँ पर गेट पर इन लोगों ने एक और मशीन वगैरह लगा कर रखी हुई है, इसने यहाँ पर आने जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी वेट, जरा एक बार अपने घर के गार्डन की हालत देखो, इस टाइम पर तो देखकर लग रहा है ना कि इन सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अपने ही घर को इनका पूरा कंस्ट्रक्शन बेस वगैरह बना लिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी सारे पाइप्स वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पर काफी सारी ब्रेक्स हैं, धूल मिट्टी सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पर भी बहुत सारे मेटल के पाइप्स वगैरह हैं जो कि शायद यहाँ पर अपने घर में यूज होने वाले हैं। बाकी एक सेकंड, सेंट अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्रिसमस तो अभी बहुत ज्यादा दूर है, मेरे फेस रिवील की जरा। बाकी चलो यार अभी के लिए काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा आगे वाली साइड में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि जो अपना एक्चुअल घर है उसकी कंडीशन यहाँ पर। भाई पहले से तो काफी ज्यादा सही लग रहा है यार, क्योंकि आप सभी को याद होगा डगन बॉस ने जब अपने घर के ऊपर ब्लास्ट करा था तो भाई लिटरली अपना पूरा घर यहाँ पर खत्म हो चुका था। बट इस टाइम पर देखकर लग रहा है कि बस एक हफ्ते के अंदर इन लोगों ने अपने घर को, मतलब जो अपना घर का स्ट्रक्चर था ना वो यहाँ पर पूरा खड़ा कर दिया है। बट फिलहाल मुझे यहाँ पर वॉल्स में भी कुछ छोटे मोटे डैमेजेस वगैरह दिख रहे हैं जिनकी शायद अभी ये लोग यहाँ पर देखभाल वगैरह कर रहे हैं और ये लोग अपना पूरा बेस्ट कर रहे हैं इस चीज को सही करने में। और ये देखो यार इन लोगों ने यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी क्रेन्स वगैरह अपने घर पर लगा कर रखी हुई है, देखकर तो अपना घर अभी डॉकयार्ड जैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा क्रेन्स है ना, मतलब जितना मैं ऊपर देख पा रहा हूँ क्रेन्स वगैरह हैं। और ये देखो यहाँ पर अपना वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो चलो यार मैं एक बार ना यहाँ पे इससे बात कर लेता हूँ और पूछ कर देखता हूँ कि अपने घर को पूरा रेडी होने में और कितना टाइम लगने वाला है। ओके, तो गाइज मेरी बात यहाँ पर अभी इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हो चुकी है और इस टाइम पर ये कह रहा है कि माइकल मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर थोड़े से लॉस सैंटोस के अंदर अभी और प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह मिल गए हैं और इसी वजह से ये जो तुम्हारा घर का काम है ये थोड़ा सा डिले होने वाला है। भाई अब यार ये तो दिक्कत की बात है, बट इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इस बंदे ने जो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर दिए हैं उसको तो यहाँ पर इसको पूरा करना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, मैंने यहाँ पर से रॉयल फैमिली के होटल के बारे में भी पूछा था, तो इस टाइम पर ये बंदा कह रहा है कि माइकल जो रॉयल फैमिली का होटल है ना वो मेरी उम्मीद से भी यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसके कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन में कम से कम एक महीने का टाइम लगने वाला है। भाई अपने घर को तो इन लोगों ने यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर रेडी कर दिया और काफी ज्यादा सही रेडी कर दिया यार, बट इस टाइम पर ये बंदा कह रहा है कि जो रॉयल फैमिली का होटल है उसका साइज यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा है और जो उसका इंटीरियर था वो भी यहाँ पर ना बहुत ज्यादा रेयर है, तो जिस तरीके से वो होटल दिखता था उसको वैसा बनाने में ना काफी टाइम लगने वाला है। बट ये मुझसे कह रहा है कि माइकल मैं तुम्हें चीज की गारंटी देता हूँ कि सिर्फ एक महीने के अंदर मैं तुम्हारा पुराना वाला रॉयल फैमिली का होटल एकदम वैसा ही कर दूंगा जैसा वो था और तुम्हें मुझे यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं मिलेगी क्योंकि आफ्टर ऑल तुम यहाँ पे रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर हो। क्या बात है यार, चलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी के लिए हम लोग इस बंदे पे भरोसा कर लेते हैं। वैसे भी इसने पहले भी अपने घर को काफी ज्यादा सही तरीके से रेडी करा है यार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक महीने बाद जो अपना रॉयल फैमिली का होटल था ना वो भी यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बाकी यहाँ जो अपना घर है इसको ये बंदा कह रहा है कि नेक्स्ट वीक तक पूरा रेडी करके फाइनल कर देगा और उसके बाद यहाँ पर मतलब जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह लगा हुआ है ना, ये जो यहाँ पर सेंटिंग्स वगैरह लगी है। वेट, ये बंदा यहाँ पर लेट कर क्या कर रहा है भाई,
बंदे ने मुझे डरा दिया था, बट भाई लग रहा है कि ये बंदा यहाँ पे आराम कर रहा है। खैर जो भी है, अभी के लिए जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है इसने मुझे कहा है कि यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर जो अपना घर है ना वो फिर से यहाँ पर एक बार ना फाइनल रेडी हो जाएगा। बाकी काफी टाइम के बाद हम लोग अपने घर पर आए हैं, तो क्यों ना एक बार हम लोग अपने घर को ठीक से देख लें, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है मैं अपने घर पे नहीं आया। बाकी वेट, इन लोगों ने यहाँ पर अपने टेनिस कोर्ट के अंदर भी क्रेन लगा कर रखी हुई है भाई साहब। चलो यार अच्छी बात है कि जो अपना टेनिस कोर्ट था वो इन लोगों ने यहाँ पर फाइनली रिपेयर वगैरह कर दिया है, और जो अपना घर था ना वो मतलब अभी देखकर ऐसा लग रहा है ना कि पुरानी वाली लुक दे रहा है यार। जब भी मैं इस वाले घर पे आता हूँ ना सारी पुरानी यादें शुरू हो जाती है, क्योंकि इसी घर से हम लोगों ने सारी शुरुआत करी थी यार। लिटरली जो अपनी पहली रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी थी वो भी यहीं पर आई थी, अपनी सारी की सारी सुपर कार्स, अपनी सारी खतरनाक वाली बाइकें, अपने यहाँ पर जितनी भी मेमोरीज है ना सब कुछ इसी घर से शुरुआत। तो हाँ यार इस वाले घर को देखकर ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नॉस्टैल्जिक फील होता है। वो अलग बात है कि अभी मैं इस घर के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि जो इसका इंटीरियर है वो अभी भी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो सामने वाले साइड में मुझे देख रहा है कि यहाँ पर किचन और डाइनिंग एरिया रेडी हो चुका है, बट हाँ यार अभी जो अपना घर है ना वो पूरा यहाँ पर रेडी नहीं है, क्योंकि डैमेज यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब डीप था और इसी वजह से अपने घर का बाहर वाला स्ट्रक्चर भी काफी वीक हो गया था। बट फिलहाल मैं देख सकता हूँ कि जो अपने घर का बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना वो इन लोगों ने यहाँ पर बस एक ही हफ्ते के अंदर रेडी कर दिया है। और ये देखो यार यहाँ पर अपने घर का स्विमिंग पूल भी है, जो कि भाई इस टाइम पर फिर से बन रहा है। इन लोगों ने यहाँ पे सीमेंट के बैग्स वगैरह डाले हुए हैं और शायद अभी ये लोग यहाँ पर इसको आउटर कवरिंग देकर फिर से एक बार अपना स्विमिंग पूल रेडी करने वाले हैं। बाकी चलो यार अभी के लिए हम लोग यहाँ पे अपने घर के अंदर तो जा नहीं सकते, बट एक काम करते हैं घर का जो पीछे वाला साइड है उसको भी ना यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखकर आते हैं कि क्या सीन है। बाकी ये देखो यार अभी मैं अपने घर पे जहाँ पर भी देख रहा हूँ हर जगह मुझे यहाँ पे लकड़ी की सेंटिंग्स और क्रेन वगैरह दिखाई दे रही है। बस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के बाद अपना ये जो पुराना वाला घर है ना ये भी यहाँ पर वापस आ जाएगा। बाकी इसके बारे में ना गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हम लोगों को अपने पुराने वाले घर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। वैसे जो अपना नया वाला घर है ना वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्यारा है, और भाई वो वाला घर तो हम लोगों ने लिटरली $50 मिलियन में लिया था यार। तो हाँ यार उस वाले घर को भी छोड़ने का मन नहीं होगा, बट क्योंकि अपना ये वाला जो घर है वो अपने पास है, यहाँ पे पैसा आ चुका है, इस घर को हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार अपना पुराना वाला घर बनाकर रेडी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मेरा मन करेगा इस घर में वापस आने का, बट इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा रहेगा, क्या हम इस वाले घर में वापस आना चाहिए। बाकी चलो यार अभी के लिए जो अपना कॉन्ट्रैक्टर था इससे तो मेरी बात यहाँ पर हो चुकी है, इसने मुझे बता दिया है कि एक हफ्ते के बाद अपना घर रेडी हो जाएगा और एक्जैक्टली एक महीने बाद जो अपना रॉयल फैमिली का होटल है वो भी अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो जाएगा। मतलब ये बंदा कह रहा है कि जो रॉयल फैमिली का होटल है उसका भी इन लोगों ने यहाँ पे जो बाहर वाला स्ट्रक्चर था उसकी कवरिंग वगैरह बनाना शुरू कर दिया, बट अंदर का जो इंटीरियर था वो रॉयल फैमिली का काफी ज्यादा रेयर था। तो हाँ यार उस होटल को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब भी वो होटल बनेगा फिर से वो काफी ज्यादा तगड़ा लगने वाला है। बाकी अभी जो अपना घर था उसे तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, अपनी पुरानी यादें भी यहाँ पर ताजा हो चुकी है, और अभी देख कर लग रहा है ना कि जो अपना पैसा है ना वो सही जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है यार। जिस घर ने हमें यहाँ पर बिलियनेयर बनाया था उस घर को हम लोग फिर से एक बार बिलियनेयर वाला लुक देने वाले हैं, तो इस चीज में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बट बिलियनेयर बनने के बाद कुछ और ऐसे काम होते हैं जो कि हम लोगों ने नहीं करे हैं, वरना जो बिलियनेयर का पैसा है ना वो बस एक ही जगह पर रह जाता है भाई, पैसे को थोड़ा सा वरना बढ़ाना भी पड़ता है। तो अभी के लिए हम लोग वही करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे लेस्टर ने आइडिया दिया था, और वो ये था कि हम लोग अपने शोरूम्स वाले बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं, और जो $400 से $300 मिलियन हम लोग यहाँ पर ब्लैक मनी कैश में लेकर आए ना मैं सोच रहा हूँ कि वो ना हम लोग पूरा का पूरा अपने शोरूम वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर सबसे लग्जरी शोरूम भी हम लोगों ने लिया ना तो आई थिंक हमें $250 से $300 मिलियन का हमें एक बहुत तगड़ा शोरूम मिल सकता है। $100 मिलियन से हम लोग कार बाहर वाली सिटी से इंपोर्ट करके लॉस एंजेलिस में ला सकते हैं और अपने शोरूम वाले बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आइडिया तो काफी ज्यादा तगड़ा है, बट दिक्कत की बात यह है कि अपने पास जो दो लौते लॉस सैंटोस के अंदर शोरूम थे वो दोनों के दोनों ब्लास्ट हो चुके हैं, और जो ये अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर का कॉन्ट्रैक्टर है इसे तो अभी एक महीना बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने शोरूम्स पर ध्यान देने के लिए। अपना जितना भी ब्लैक मनी है अगर हमें उसे इन्वेस्ट करना है ना तो अपने शोरूम्स को फिर से बनाने की जगह मतलब हमें ना पहले एक नया शोरूम तो लेना पड़ेगा, उसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब बात ऐसी कि जो अपने पुराने वाले शोरूम्स है ना आज नहीं तो कल हम लोग उनको आराम से रिपेयर वगैरह करवा सकते हैं। बाकी गलती से गाड़ी ठोक दी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाँ मैं कह रहा था कि जो अपने दो पुराने शोरूम्स हैं उनको हम लोग आज नहीं तो कल फिर से पूरा का पूरा रिपेयर वगैरह करवा कर बनवा लेंगे, बट अभी के लिए दिक्कत की बात ये कि जो अपना वर्कर है मतलब जो अपना कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ये काम करेगा वो इस टाइम पर अभी फ्री नहीं है, और भाई मैं ना इस बंदे के अलावा यहाँ पर किसी और से काम वगैरह भी करवाना नहीं चाहता। तो हाँ यार अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि जो अपने दो शोरूम है उनको हम लोग यहाँ पर बाद में आराम से रिपेयर वगैरह करवा लेंगे। अभी के लिए जो अपने पास ब्लैक मनी है ना उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम लोग लॉस एंजेलिस के अंदर कोई नया सा दिखने वाला तगड़ा सा शोरूम वगैरह लेते हैं और फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग उसका क्या करने वाले हैं। क्योंकि देखो यार शोरूम तो हम लोग खरीद लेंगे, बट हाँ उसके बाद भी हमें यहाँ पर कार्स वगैरह इम्पोर्ट करवानी पड़ेंगी, रेगुलरली हमें उस पर ध्यान वगैरह देना पड़ेगा। वैसे अपने पास जितना पैसा है ना
उससे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग एक मैनेजर भी रख सकते हैं शोरूम को चलाने के लिए। तो हाँ, ये चीज भी यहाँ पर पॉसिबल है। बट वेट यार, मैं यहाँ पर लॉस सैंटोस में ऐसे ही घूम रहा हूँ एक शोरूम को ढूंढता हुआ, इससे अच्छा ये होगा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैरी से बात कर ले। आप सभी को याद होगा बैरी वो बंदा है जो कि यहाँ पर लॉस सैंटोस के अंदर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में ना काफी ज्यादा नॉलेज रखता है और उसका पूरा बिजनेस यही है यार। वो बंदा यहाँ पर सभी को लॉस सैंटोस में प्रॉपर्टीज वगैरह दिलवाता है, तो पक्की बात है उस बंदे के पास यहाँ पर कुछ शोरूम्स वगैरह का भी आइडिया होगा और लॉस सैंटोस में जितने भी शोरूम्स वगैरह यहाँ पर बिक रहे होंगे या फिर मतलब जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिल रहे होंगे उसका नॉलेज भी यहाँ पर बैरी के पास होगा। भाई काफी ज्यादा सही आइडिया है। अभी के लिए काम करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फटाफट से जो अपनी गाड़ी है ना इसको हम लोग भगाकर चलते हैं सीधा बैरी के ऑफिस के पास। भाई बैरी का जो ऑफिस है ना वो भी मेरे घर के पास बहुत ज्यादा है। पता नहीं यार मैं इस वाले रास्ते पे क्यों आ गया, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत किस्मत की बात है। बैरी वाली चीज मेरे दिमाग में पहले नहीं आई थी, बट हाँ बैरी ना यहाँ पे काफी ज्यादा सही ऑप्शन है और मुझे पक्का पता है उस बंदे के पास ना लॉस सैंटोस में कोई बहुत तगड़ा शोरूम अपने बजट के अंदर भी होगा। वैसे फिलहाल अपने पास कोई बजट तो नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है अपने पास, बट हाँ अंधा पैसा हर कहीं नहीं फेंक देना है। तो चलो यार अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में ड्राइव करते हैं, निकलते हैं सीधा बैरी के ऑफिस पर और वहां पर जाकर देखते हैं कि उसके पास कोई शोरूम वगैरह अवेलेबल है। चलो गाइस, तो भी हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच चुके हैं जिसका नाम यहां पर बैरी है और जिस बंदे से हम लोगों ने अपना घर वगैरह लिया था। बाकी आपको याद होगा ये जो बंदा है ना मतलब इसका ना यहां पे लॉस सैंटोस में काफी ज्यादा बढ़िया रियल एस्टेट का बिजनेस वगैरह है और पता नहीं यार इस बंदे के अंडर में यहां पर कितनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह है। बाकी चलो यार अभी बिल्कुल भी ना टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, फटाफट से भी हम लोग चलते हैं सीधा इसके ऑफिस के अंदर। और ये देखो यार यहाँ पर भी ना इसके मतलब काफी सारे कोवर्कर्स वगैरह काम करते रहते हैं। बट अच्छी बात ये कि अपनी ना यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन बैरी वगैरह के साथ में है, तो हाँ यार हमें यहाँ पर आकर वेट वगैरह नहीं करना पड़ता, वरना अगर यहाँ पर हम लोग फंस गए ना तो अपने आधा घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। बाकी चलो यार अभी के लिए मैं यहाँ पर बैरी के ऑफिस में आ चुका हूँ। वेट, यहाँ पर देखकर लग रहा है कि बैरी के दो कोई कस्टमर्स वगैरह आए हुए हैं। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर आराम से थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। बैरी के यहाँ पर अभी इन कस्टमर्स वगैरह के साथ में कुछ बात चल रही है, शायद इनको भी यहाँ पर कुछ घर वगैरह लेना है। बाकी ये देखो यार यहाँ पर ना पीछे वाले साइड में लॉस सैंटोस का मैप है और इस मैप में यहाँ पर आप लोग जितने भी रेड कलर के पॉइंटर्स वगैरह देख रहे हो ना वो एक्जैक्टली वही जगह है जहाँ पर लॉस सैंटोस में काफी सारी एस्टेट की प्रॉपर्टीज वगैरह अवेलेबल है जो कि यहाँ पर हमें बैरी प्रोवाइड कर सकता है। बट आज बैरी को हम लोग जो बताने वाले हैं भाई बंदा अपना बजट वगैरह सुन के पूरा हिलने वाला है। चलो यार थोड़ी देर वेट करते हैं, पता नहीं ये बंदे यहाँ पर इसके कब तक जाने वाले हैं, बहुत देर से बंदे बैठे हुए हैं। बट हाँ यार अभी हम लोग यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ही बंदे जाएंगे उसके बाद मैं बैरी को यहाँ पे शोरूम वगैरह का सीन बताने वाला हूँ। ओके, तो गाइस फाइनली मेरी बात यहाँ पर अभी बैरी के साथ में हो चुकी है और मैंने यहाँ पर इस टाइम पे बैरी को बता दिया कि भाई अभी टाइम आ गया जो अपने पास पैसा है ना उसको थोड़ा सा सही जगह पर डालने का। और मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि मुझे लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत तगड़े लेवल का शोरूम चाहिए। बट इस टाइम पर मैंने इस बंदे को बताया कि जो मेरा बजट है ना वो यहाँ पर 300 से 400 मिलियन डॉलर है। हाँ मुझे पता है कि बजट बहुत ज्यादा कम है, बट बैरी अगर हो सके तो यार थोड़ा मतलब बजट के अंदर दिखाना। और ये चीज सुनने के बाद बैरी कह रहा है कि माइकल तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें 300 मिलियन डॉलर तक का शोरूम चाहिए। भाई अब मैं से क्या बताऊं कि मेरे पास जो बैंक बैलेंस में पैसा है उसके अलावा मुझे यहाँ पर अपना सारा का सारा ब्लैक मनी वगैरह वापस मिल गया है, तो हाँ यार उसको हमें यहाँ पे सही जगह पर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। बाकी हाँ इस टाइम पे मैंने बैरी को बोला कि भाई तू बस यहाँ पे बजट का बिल्कुल भी मत सोच और लॉस सैंटोस के अंदर यहाँ पर जितने भी टॉप क्लास शोरूम है ना सारे के सारे मुझे दिखाना। और इस टाइम पर जो अपना बैरी है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया है और ये कह रहा है कि माइकल रुको यार मुझे ना यहाँ पर मैप पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से शोरूम्स वगैरह भी लॉस सैंटोस के अंदर अवेलेबल है जो कि यहाँ पर तुम्हारे 300 से 400 मिलियन के मीडियम बजट में फिट बैठेंगे। भाई अभी इस टाइम पर ना ये बंदा भी मजाक करना शुरू कर चुका है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल जो अपना बैरी है ये इस टाइम पर मुझे मैप पे फिंगर पॉइंट करके कुछ लोकेशंस वगैरह बता रहा है और कह रहा है कि माइकल यहाँ पर ना तुम्हें लॉस सैंटोस के सबसे तगड़े और लग्जरी शोरूम्स वगैरह मिल सकते हैं, बट इनमें से कुछ शोरूम्स ऐसे हैं जो कि मतलब अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, उनको रेडी होने में यहाँ पर एक वीक का टाइम लग सकता है क्योंकि भाई इतनी ज्यादा महंगी प्रॉपर्टीज ना लॉस सैंटोस के अंदर कोई खरीदता नहीं है। और बैरी इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टीज खरीदनी है ना तो एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। बाकी हाँ यहाँ पर बैरी मुझे कुछ ऐसे शोरूम्स वगैरह भी बता रहा है जो कि यहाँ पर मैप्स पे अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं, बट हाँ कुछ बंदे उनको बेच रहे हैं। और इस टाइम पे बैरी कह रहा है कि माइकल तुम ना जरा मेरे पीछे आओ, अभी के लिए ना हम लोग जो शोरूम्स बन चुके हैं ना उनको जरा देख कर आते हैं। बाकी वेट यार अपने पास ना यहाँ पर दो दो गाड़ियां हैं, बट एक काम करते हैं जो बैरी की रेंज रोवर है ना इसी के अंदर हम लोग अभी बैठते हैं और सीधा चलते हैं उन वाले शोरूम्स को देखने के लिए जो कि लॉस सैंटोस के अंदर ऑलरेडी बन चुके हैं और जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि देखो यार वैसे अपने पास ना यहाँ पर अभी पैसे की कोई भी कमी नहीं है, तो अगर हम लोग चाहें तो एक हफ्ता वेट करके लॉस सैंटोस में बहुत तगड़े शोरूम्स वगैरह भी बनवा सकते हैं। बट जो शोरूम्स ऑलरेडी लॉस सैंटोस के अंदर हैं उनको भी नजर एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बने हैं। क्या पता हमें यहाँ पर कोई पहले से प्री मेड शोरूम लॉस सैंटोस का पसंद आ जाए जो कि देखने में भी काफी ज्यादा तगड़ा है। वैसे भी जो अपने शोरूम्स वगैरह है ना उनका सीन ऐसा है कि मुझे ना लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, मतलब एक शोरूम को जो उसकी लोकेशन है ना वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एडवांटेज देती है। तो हाँ यार कोई भी ऐसा शोरूम अगर हमें मिल गया ना जो कि एकदम प्राइम लोकेशन में। बाकी भाई ये क्या गाड़ी चला रहा है यहाँ पर,
मानना पड़ेगा यार, बंदे ने यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़े लेवल की ड्रिफ्ट मारी है। बाकी यहाँ अभी के लिए काम करते हैं, देखते हैं कि बैरियर में एक्जैक्टली कौन कौन से लॉस सैंटोस के अंदर शोरूम्स वगैरह दिखाने वाला है। ये हमें शायद 3 से 4 ऐसे शोरूम्स वगैरह दिखाएगा जो कि यहाँ पर पहले से लॉस सैंटोस के अंदर बनकर रखे हुए हैं और इस टाइम पर करेंटली सेल पर हैं। और अगर ऐसा होता है कि हमें उनमें से कोई प्रीमेड शोरूम्स वगैरह में से पसंद नहीं आता है तो उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर वो शोरूम्स भी देख सकते हैं जिनके लिए हमें यहाँ पर एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा और एक हफ्ते के बाद वो वाले शोरूम्स भी हमें मिल जाएंगे। वैसे मानना पड़ेगा यार, जो बैरी का यहाँ पर मतलब अपने कस्टमर्स को हैंडल करने का तरीका है ना, ये बंदा लिटरली अपनी रेंज रोवर में अपने कस्टमर्स को घुमाता है। तो हाँ यार, लग्जरी ट्रीटमेंट तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रहा है। बाकी चलो यार, अभी के लिए देखते हैं कि बैरी हमें एक्जैक्टली कौन सा शोरूम पहले दिखाने वाला है और फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सा शोरूम पसंद आता है। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताते रहना कि आपको कौन सा शोरूम बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर जो अपना बैरी है ये कह रहा है कि माइकल अभी करेंटली जो लॉस सैंटोस में सबसे महंगा शोरूम मिल रहा है ना, वो भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ और वो जो शोरूम है ना उसको देखकर तुम्हारा उसे पक्का लेने का मन हो जाएगा। भाई पता नहीं बंदा एक्जैक्टली मुझे क्या दिखाने वाला है, बट ठीक है, अभी के लिए जो अपना बैरियर्स पे थोड़ा सा भरोसा रखते हैं और देखते हैं कि ये बंदा एक्जैक्टली मुझे कौन सा शोरूम दिखाने वाला है जो कि ये कह रहा है कि अभी तक ना लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा महंगा शोरूम है। और ये कह रहा है कि हम लोग शोरूम पर पहुंच चुके हैं। वेट भाई, ये शोरूम है देखने से तो मुझे कोई बाहर से मॉल वगैरह दिख रहा था, बट चलो यार, अभी के लिए जो बैरी है ये कह रहा है कि जरा मैं तुम्हें ना इस शोरूम को पूरा अंदर से दिखाता हूँ और इसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये जो शोरूम है ये भी करंटली लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा महंगा शोरूम क्यों है। भाई जरा एक बार ये देखो, मतलब शोरूम के अंदर आते यहाँ पर इनका खुद का पर्सनल गैराज वगैरह भी है। यार भाई साहब, देखकर तो ये जगह ना पूरी की पूरी एक मॉल की तरह फीलिंग दे रही है और बाहर वाली साइड से मैं इसको देखकर बता नहीं पा रहा था कि ये जगह मतलब एक शोरूम है या फिर क्या है, क्योंकि बाहर वाली साइड से भी ना देखने में ये जगह एकदम मॉल की तरह लग रही है। और जरा एक बार ये देखो यार, यहाँ पर भी जो अंदर वाला इंटीरियर है पूरा का पूरा उसको यहाँ पे मॉडर्न लुक दिया गया है और बाहर वाली साइड से ना ये जगह कोई घूमने की जगह लग रही है। बाकी चलो यार, अभी के लिए बैरी को मैंने बोल दिया जगह की ना थोड़ी सी स्पेशल क्वालिटीज वगैरह बताने के लिए। देखते हैं कि इस जगह में ऐसा क्या खास है कि ये जो शोरूम है ये लॉस सैंटोस का अभी तक का सबसे महंगा शोरूम है। वेट, बैरी कह रहा है कि माइकल ये देखो, यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स वगैरह की भी फैसिलिटीज है, तो कभी भी अगर तुम अपने कस्टमर्स को यहाँ पर लेकर आते हो ना तो गर्मी वाली फीलिंग उनको कभी भी नहीं आने वाली है, डायरेक्टली अंदर आती है यहाँ पर उनको ना काफी ज्यादा तगड़े लेवल की ड्रिंक्स वगैरह मिलने वाली है। और वेट, यहाँ पर भी एक एंट्रेंस है, क्या बात है यार, इस वाले शोरूम में ना एंट्रेंस सही में काफी ज्यादा है। और एक सेकेंड, ये कह रहे हैं कि माइकल ये देखो, यहाँ पर ये अपना गार्डन एरिया है और यहाँ पर से भी ना सारे के सारे अपने कस्टमर्स वगैरह कार्स वगैरह को लेकर आ सकते हैं और अगर कभी ज्यादा भीड़ हुई तो इस वाले एरिया को हम लोग अपना एक पार्किंग एरिया भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेड कार्स के लिए इन लोगों ने अलग से एक कंटेनर रखा हुआ। और वेट यार, यहाँ पर कुछ कार के पार्ट्स वगैरह भी डले हुए हैं, क्या बात है यार, शोरूम लेने के साथ हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। सही है, चलो ठीक है, अभी के लिए देखते हैं कि बैरी हमें यहाँ पर और क्या क्या दिखाने वाला है। ओके, यहाँ पर भी एक पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है और इस टाइम पे बैरी मुझे कह रहा है कि अगर तुम्हारा कोई भी बंदा यहाँ पे अपने शोरूम में नई गाड़ी लेने के लिए आएगा ना तो पुरानी वाली गाड़ी को वो यहाँ पर अभी के लिए पार्किंग में छोड़ सकता है, या फिर कोई भी बंदा अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए आता है वो भी यहाँ पर अपनी गाड़ी को छोड़ सकता है। चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग फिर से ना अपने इस वाले शोरूम के अंदर आ चुके हैं, दोबारा से एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बाकी सच में यार, ये जो गैराज एरिया है ना, इस वाले शोरूम का जो गैराज एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब देखकर लग रहा है कि यहाँ पर आराम से एक बार में 40 गाड़ियां तो आ सकती हैं और 40 की 40 गाड़ियां पूरी एक साथ रिपेयर हो सकती हैं। बाकी इस टाइम पर बैरी कह रहा है कि माइकल ये देखो, ये जो जगह है ना यहाँ पर कम से कम 10 मैकेनिक एक साथ काम कर सकते हैं। भाई सही है यार, ये जगह तो देखकर लग रहा है ना कि बेनी को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और बेनी जैसे यहाँ पर 10 बंदे आराम से अपना यहाँ पर अपनी गाड़ी को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। बाकी एक सेकेंड, बैरी मुझे यहाँ पर कुछ दिखा रहा है क्या? वेट यार, ये जगह क्या है? ओके, ये जगह भी यहाँ पर लग रहा है कि पूरे के पूरे कार के इंटीरियर वाले पार्ट्स के लिए है। ये देखो यार, यहाँ पर भी ना कुछ कार के एग्जॉस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ कार के बम्पर्स वगैरह हैं और कुछ यहाँ पर हेडलाइट्स वगैरह भी हैं। तो देखकर लग रहा है कि इस वाले एरिया में ना यहाँ पर कार्स के एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह मिलते हैं। बाकी इस टाइम पे बैरी कह रहा है कि माइकल जरा मेरे पीछे आओ, अभी मैं तुम्हें ना शोरूम का ऊपर वाला एरिया दिखाता हूँ जो कि तुम्हारे शोरूम का एक्चुअल एरिया होगा, जहाँ पर तुम्हारे सारे कस्टमर्स आके एकदम आराम से चिल करेंगे और यहाँ पर आकर तुम्हारी सारी मीटिंग्स वगैरह होंगी। ओके भाई, जरा एक बार ये जगह देखो यार, यहाँ पर ना काफी ज्यादा स्पेस है, तो यहाँ पर भी ना हम लोग कुछ गाड़ियां वगैरह लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर उनको ऊपर वाली साइड में रख सकते हैं। बाकी एक सेकेंड, ये क्या है? ओके, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है अलग लैंग्वेज में, कैरेस वाले बोर्ड को तो हम लोग बाद में चेंज करवा सकते हैं। वेट, ये देखकर लग रहा है कि कोई अपने स्टाफ के लिए रेस्टिंग एरिया है और यहाँ पर शायद एक वॉशरूम है। ऑलराइट भाई, इस वाले शोरूम में ना फैसिलिटीज एकदम टॉप लेवल है, मतलब यहाँ पर हम लोग अगर कोई भी प्रीमियम कस्टमर को लेकर आते हैं ना तो पक्की बात है उस बंदे को यहाँ पर पूरी की पूरी होटल वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली इन लोगों ने पूरा का पूरा एक रेस्ट रूम जैसा बनाकर रखा हुआ है जो कि यहाँ पर इनके स्टाफ मेंबर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। बाकी वेट, यहाँ पर भी एक रूम है। और एक सेकेंड, ये किचन एरिया है क्या? भाई जरा एक बार ये देखो, मतलब अगर यहाँ पर अपने शोरूम के अंदर कोई भी खतरनाक वाला स्टाफ काम कर रहा है ना और अगर वो लोग थक गए तो हम लोग आराम से यहाँ पर उनके लिए किचन वगैरह में खाना वगैरह बना सकते हैं
या फिर हम लोग यहाँ पर अलग से कुछ शेफ वगैरह को भी रख सकते हैं। तो हाँ यार, अपने जितने भी कस्टमर्स वगैरह यहाँ पर अपने शोरूम के अंदर आएंगे वो लोग यहाँ पर भूखे तो नहीं रहने वाले हैं। शायद वो लोग यहाँ से गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, बट हाँ यहाँ पर जो खाना है ना वो उनको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। बाकी वेट, ये शायद अपने शोरूम का ऑफिस एरिया है। ओके, बैरी मुझे इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल ये देखो यहाँ पर ना हम लोगों ने थोड़ा सा छेल वाला एरिया भी बनाकर रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा कस्टमर आता है ना जिसके मतलब कुछ बच्चे वगैरह हैं तो यहाँ पर हम लोग कस्टमर के संग आराम से बैठ के मीटिंग वगैरह कर सकते हैं और जो उसके बच्चे हैं वो आराम से यहाँ पर ना बोर्ड्स वगैरह पे खेल सकते हैं। भाई यार मानना पड़ेगा इस वाले शोरूम की ना प्लानिंग काफी ज्यादा सही लेवल की है। बाकी यहाँ पर ना दो मीटिंग वाले रूम्स हैं, आराम से यहाँ पर हम लोग अपने स्टाफ मेंबर के साथ में मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। और बैरी कह रहा है कि माइकल यहाँ पर ना तुम अपने कस्टमर्स की बिलिंग भी कर सकते हो। भाई सही है यार, एरिया भी यहाँ पर ना काफी ज्यादा बड़ा है तो मुझे देखकर लग रहा है कि आराम से यहाँ पर एक बार में 15 से 20 कस्टमर की तो हम लोग डील कर सकते हैं और एक बार में 10 गाड़ियां भी इजिली बेच सकते हैं। बाकी यहाँ बैरी कह रहा है कि माइकल ये देखो यहाँ से ना बाहर वाला एरिया भी दिखता है, तो हाँ यार अगर वहां से कोई कस्टमर आता है ना तो उसे भी दिखेगा कि ऊपर वाला एरिया काफी ज्यादा सही है और उसका भी अपने शोरूम के अंदर आने का मन करेगा, तो ये वाला शोरूम भी काफी ज्यादा सही लग रहा है। बाकी पता नहीं यार इसकी प्राइस क्या होगी, बट वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी देर में बैरी हमें ना नीचे वाली साइड में जाकर बता देगा। बाकी वेट, ये देखो यार ऊपर वाली साइड में ना यहाँ पर कुछ कार्स के मॉडल वगैरह भी रखे हुए हैं। क्या बात है, शोरूम तो यार सच में बहुत ज्यादा तगड़ा है, मतलब एकदम ना ये वाला जो शोरूम है ना वो फ्यूचर की वाइब्स वगैरह दे रहा है और स्पेस भी काफी ज्यादा है, तो आराम से यहाँ पर हमें कम से कम ना स्टाफ लगने वाला है 50 लोगों का। बट चलो अभी के लिए ना मैं एक बार यहाँ पे बैरिसेस की प्राइस वगैरह पूछता हूँ और फिर देखते हैं कि भाई इस शोरूम को हम लोग लेने वाले हैं या फिर कुछ और अभी देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस एक दिक्कत हो गई है, बैरी से मेरी बात यहाँ पर हो चुकी है और इस टाइम पर जो बैरी ने कहा था बात बिल्कुल सही है, ये जो शोरूम है वो लॉस सैंटोस का सबसे महंगा शोरूम है, क्योंकि इस टाइम पर बैरी मुझे बता रहे कि इस शोरूम की प्राइस है 600 मिलियन डॉलर। भाई मैंने यहाँ पर इस बंदे को बोला था कि यार मेरा ना यहाँ पे मिडिल क्लास बजट है 400 से 300 मिलियन डॉलर का, बट देखकर लग रहा है कि इसने उस मजाक को बिल्कुल सीरियस ले लिया है और अभी के लिए इस बंदे ने मुझे यहाँ पे सच में लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा महंगा शोरूम दिखा दिया है, जो कि वैसे तो हम लोग खरीद सकते हैं 600 मिलियन डॉलर मतलब है वैसे बहुत ज्यादा अमाउंट है एक शोरूम के लिए, बट हाँ खरीदने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बैरी कह रहा है कि माइकल अगर तुम 400 मिलियन का बजट लेकर चल सकते हो तो क्यों ना तुम 200 मिलियन डॉलर और इन्वेस्ट करके लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम ले लो और ये वैसे भी एक प्री मेड शोरूम है। बट नहीं यार, मुझे लगता नहीं कि अभी इतना बड़ा शोरूम लेने का कोई भी फायदा है, क्योंकि देखो यार इस शोरूम को ना चलाने के लिए हमें यहाँ पे ना टॉप मोस्ट क्लास लग्जरी कार्स वगैरह भी लेकर आने पड़ेंगी, क्योंकि अगर ऐसे वाले शोरूम में हम लोग कोई सस्ती सी गाड़ी वगैरह लेकर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी यार, शोरूम भी नहीं चलेगा, कस्टमर्स का आने का भी मन नहीं होगा और अगर कोई कस्टमर आता भी है ना तो वो कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा। तो हाँ यार यहाँ पर अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है ना तो कम से कम 10 से 12 रोल्स रॉयस वगैरह तो रखनी पड़ेंगी, तो ठीक है अभी के लिए मैंने बैरी को बोल दिया कि भाई नहीं ये वाला जो शोरूम है ना वो थोड़ा सा अभी फिलहाल औकात के बाहर है, क्योंकि अगर ये ले लिया ना तो गाड़ियां वगैरह इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अपना बैरी है ये कह रहा है कि कोई बात नहीं माइकल, पास ही में एक और शोरूम है, फटाफट से मैं तुम्हें वो दिखाकर लेकर आता हूँ। और ये जो शोरूम है ये भी कुछ दिन पहले ही बना है, इससे पहले यहाँ पर एक न्यूज का स्टूडियो था। वेट यार, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है, बट ठीक है अभी देखते हैं कि जो अपना बैरी है हमें कहां पर लेकर जाने वाला है। वेट यार, ये तो हमें वीजल न्यूज के हेडक्वार्टर में लेकर आ गया। एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है भाई? वेट, मुझे अच्छे से याद है ये वही जगह है ना जहां पर, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, मैंने एक बार यहां पर बाहर वाली साइड में चलता हूँ। वेट भाई, ये वही बिल्डिंग है जहां पर वीजल न्यूज होता था। ये क्या सीन है, यहां पर अभी रेड लाइन परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। और वेट, रेड लाइन से मुझे याद आया, हम लोग एक लिबर्टी के गैराज में गए थे, उसका नाम भी यहाँ पर रेड लाइन था, तो क्या ये उसी की फ्रेंचाइजी लॉस सैंटोस में आ गई है? भाई इन लोगों ने यहाँ पे लिटरली पूरे की पूरी वीजल न्यूज की बिल्डिंग को खरीद लिया है क्या? भैंस की टांग, पता नहीं कितना पैसा इन लोगों ने यहाँ पर दिया होगा कि पूरी की पूरी वीजल न्यूज की बिल्डिंग को इन लोगों ने खरीद के एक शोरूम की बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया है। और इस टाइम पर बैरी मुझसे कह रहा है कि माइकल ये जो अभी तुम शोरूम देख रहे हो ना, ये लास्ट वीक इस कंपनी ने परचेज कराया और इनका ना लिबर्टी में काफी फैला हुआ बिजनेस है। अब मैं बैरी को क्या बताऊं कि जो हमारी मस्टैंग थी वो भी हम लोगों ने रेड लाइन पे छोड़ी थी लिबर्टी में रिपेयर होने के लिए। तो हाँ यार इन लोगों को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर जो भी शोरूम है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है और इस वाली फ्रेंचाइजी को ये लोग यहाँ पे लॉस सैंटोस में बेच रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोगों ने लिबर्टी में देखा था। आप सभी को याद होगा लिबर्टी में जब हम लोग रेड लाइन में गए थे ना तो वहां पर भी बिल्कुल एकदम सेम इंटीरियर था यार। शायद रेड लाइन के यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फ्रेंचाइजी वगैरह होती है ना उन सभी का एकदम इंटीरियर सेम होता है। और इस टाइम पे बैरी कह रहे हैं कि ये देखो माइकल यहाँ पर तुम्हारे रिसेप्शन का ऑफिस है, तो अगर तुम यहाँ पर किसी भी मैनेजर वगैरह को बिठाते हो वो बंदा यहाँ पर आराम से बैठकर कस्टमर्स के साथ में बात वगैरह कर सकता है। बाकी वेट, यहाँ पर क्या है? ओके, यहाँ पर भी एक ऑफिस रूम है। क्या बात है यार, यहाँ पर भी हम लोग अपने प्रीमियम कस्टमर्स को बिठाकर उनसे बात वगैरह कर सकते हैं। और बैरी कह रहा है कि माइकल फिर तुम यहाँ पर मोटा और तगड़े पैसे का बिल काट सकते हो। भाई ठीक है यार, बैरी को मैंने यहाँ पर 300-400 मिलियन का बजट क्या बता दिया,
बंदा यहाँ पर एकदम अंधे पैसे वाले सपने देख रहा है। बाकी चलो यार यहाँ पर भी एक रूम है, फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। ओके, ये शायद एक वॉशरूम है। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, यहाँ पे ना लॉस एंजेलिस के अंदर जितने भी लग्जरी शोरूम्स वगैरह है ना, उन सभी के अंदर यहाँ पर रेस्ट रूम और ना वॉशरूम की फैसिलिटीज काफी ज्यादा तगड़े लेवल की है। मतलब यहाँ पर कस्टमर का मूड खराब होता है ना, यहाँ पे उसको बाथरूम में धक्का देकर उसको नला देंगे। बाकी चलो यार, बैरी यहाँ पर कह रहा है कि माइकल ये देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ। अरे बैरी, इतना प्रैक्टिकल यूज भी नहीं चाहिए यार। बाकी ठीक है, फिलहाल मैंने बैरी को बोल दिया थोड़ा सा ना बाहर वाले साइड्स को दिखाने का। भाई ये बंदा मुझे पता नहीं क्या खतरनाक सा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला था, बट ठीक है, सही टाइम पे मैंने इसको रोक लिया है। और इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल ये जो मतलब रेड लाइन का शोरूम है ना, ये लिमिटेड है, कुछ यहाँ पे ज्यादा खास नहीं है। हाँ, हम लोग अभी ऊपर वाली साइड में चल सकते हैं और फिर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर और क्या क्या है। तो चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग जरा बैरी के पीछे चलते हैं। लिबर्टी में भी मैं रेड लाइन के ऊपर नहीं जा पाया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो चलते हैं फटाफट से अंदर और जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या सीन है। वेट भाई, ये देखो यहाँ पर बिना कार्स के पार्ट्स वगैरह पड़े हैं, यहाँ पर कार के फ्रंट बम्पर्स हैं। और बैरी मुझे इस टाइम पे कह रहे हैं कि माइकल ये जो जगह है ना, इसको तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ। वेट यार, पता नहीं मुझे क्या दिखाने की बात कर रहा है, बट ये कह रहा है कि माइकल ये जो एरिया है ये तुम्हें देखने में कैसा लग रहा है। देखने में तो ये मुझे कोई सिंपल गैराज लग रहा है जहाँ पर कार के पार्ट्स वगैरह आते हैं। वेट, बैरी कह रहा है कि माइकल मेरे पीछे आओ, ये देखो यहाँ पर एक बेंच है, इसको अगर हम लोग खिसकाएंगे तो एक सीक्रेट एंट्रेंस बन जाएगी। वेट भाई, ये क्या था? एक सेकेंड, यहाँ पर इस शोरूम के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग रूम है भाई साहब। और बैरी इस टाइम पे कह रहे हैं कि माइकल ये देखो, ये जो रेड लाइन का शोरूम है ना, ये तुम्हारी टीम के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर जो काम करते हो वो मुझे पता है। भाई पता नहीं बंदा यहाँ पर क्या कहना चाहता है। और वेट, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम अपनी चोरी वगैरह भी प्लान कर सकते हो, यहाँ पर एक पूरा का पूरा बोर्ड है। भाई साहब यार, सच में ये जो सीक्रेट मीटिंग रूम है ना, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और ये इस टाइम पे कह रहे हैं कि जो लॉस सैंटोस का मैप इसके वाले ऑफिस में रखा हुआ है, वैसे ही एक और एग्जैक्टली सेम मैप इसने यहाँ पर भी रखवाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर से भी हम लोग ना पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर से देख सकते हैं मैप वगैरह को। बाकी भाई ये देखो यहाँ पर ना एक बहुत तगड़ा, मतलब कितने मॉनिटर है यार यहाँ पे, यहाँ पर 6 मॉनिटर सेटअप है। लेस्टर को तो यहाँ पर ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी यहाँ पर कुछ आर्केड की गेमिंग मशीन भी है, बट हाँ ये वाला जो एरिया है ना, ये बैरी कह रहा है कि नॉर्मल कस्टमर्स वगैरह के लिए नहीं है और ना ही तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स को इसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि भाई जरा एक बार ये सिस्टम देखो भाई, यहाँ पर ना एक रिपेयरिंग की पूरी वर्क बेंच है, बट ये जो वर्क बेंच है ये एक ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर के साथ कनेक्टेड है। तो हाँ यार, जैसे कोई भी इसके पास आएगा ना, ऑटोमेटिकली ये वाली जो वर्क बेंच है ये खिसक जाएगी और यहाँ पर एक सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाएगी। भाई साहब यार, बैरी ने सच में बहुत ज्यादा कमाल की चीज दिखाई है। और जैसे हम लोग इससे दूर जाते हैं ना, ये देखो अपने आप ये जो एंट्रेंस है बंद हो जाती है। तो हाँ यार, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा है। बाकी वेट, बैरी शायद बाहर वाली साइड से मुझे बुला रहा है, एक सेकंड यार। ये बैरी, ओके बैरी यहाँ पर नीचे वाली साइड में है और ये कह रहा है कि माइकल जरा इतना ही, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर एक अंडरग्राउंड गैराज भी है जो कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और वो देख कर ना पक्की बात है तुम इस शोरूम को लेने के लिए मान जाओगे। ओके, अभी के लिए पता नहीं मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाला है, बट ठीक है अभी इसके पीछे चलते हैं। और वेट, यहाँ पर भी गैराज है, क्या बात है। चलो यार अभी के लिए ना हम लोग यहाँ पर बैरी के पीछे चलते हैं और जाकर देखकर आते हैं कि इस रेड लाइन वाले शोरूम की खासियत क्या है। बाकी एक बात तो सच में माननी पड़ेगी यार, ये जो रेड लाइन है ये मतलब बाहर से इतना ज्यादा बड़ा दिखता नहीं है जितना इन लोगों ने इसको अंदर से एक्सपेंड करके रखा है। वेट, यहाँ पे पूरी की पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, क्या बात है यार। बाकी ठीक है, अभी के लिए बैरी कह रहा है कि माइकल यहाँ पर आओ, ये देखो क्या सीन है। वेट, यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्टेज एरिया जैसा रूम बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। एक सेकेंड, ये जगह तो देखकर मुझे ऐसी लग रही है कि लॉस सैंटोस में जितने भी यहाँ पर अंडरग्राउंड रेसिंग कार्स के टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उन सभी का कार ऑक्शन वगैरह यहाँ पर होता होगा। भाई ये बहुत ज्यादा सही चीज है। और इस टाइम पे बैरी कह रहे हैं कि माइकल ये देखो यहाँ पर तुम ना अपने दोस्तों को साथ यहाँ पे बुला के पार्टी वगैरह भी कर सकते हो और यहाँ पे सारे के सारे इलीगल कार ऑक्शन भी हो सकते हैं। भाई साहब यार, रेड लाइन की ये वाली चीज ना बहुत ज्यादा तगड़ी लगी मुझे। मतलब इन लोगों ने यहाँ पर एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड गैराज जैसा एरिया बनाकर रखा हुआ है जहाँ पर हम लोग एक इलीगल कार ऑक्शन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां वगैरह चोरी होती है ना, और वो भी कोई नॉर्मल कार्स नहीं बल्कि जो हाइपर और स्पोर्ट्स कार चोरी होती है उनका यहाँ पर हम लोग ऑक्शन कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर सेकेंड हैंड चोरी की कार्स वगैरह खरीदना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। भाई इसके बारे में पुलिस को कभी पता भी नहीं चलेगा। और बैरी कह रहे हैं कि माइकल ये ना शोरूम का बेस्ट पार्ट है, और जिसके हाथ में ये शोरूम आ गया ना उसके पास अंडरग्राउंड का बहुत तगड़े लेवल का ब्लैक मनी तो आने वाला है। भाई
यार ये भी काफी ज्यादा तगड़ा है, बट अभी तक मुझे ये नहीं पता कि जो रेड लाइन का शोरूम है इसकी एक्चुअल प्राइस वगैरह कितनी होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखो सामने वाले साइड में भी ना यहाँ पर काफी सारी ड्रिंक्स की वेंडिंग मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं। तो हाँ यार नीचे वाले साइड में हम लोग यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स या फिर इलीगल स्ट्रीट रेसर्स को लेकर आएंगे ना उनका भी यहाँ पर ना पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट वगैरह होने वाला है। और ये देखो यहाँ पर भी ना इन लोगों ने एक छोटा सा पार्किंग एरिया बनाकर रखा हुआ है। तो हाँ जितने भी लोग अपनी इलीगल मॉडिफाइड कार्स को लेकर आएंगे ना उनकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। और सीसीटीवी की तो यार यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ना इस बिल्डिंग के चारों तरफ मुझे हर जगह सीसीटीवी कैमरास वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये बैरी मुझसे कह रहा है कि माइकल एक छोटी सी दिक्कत ये कि ये जो यहाँ पे रेड लाइन का गेट है ना वो कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, तो हाँ इसमें तुम्हें थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी और टाइम टू टाइम इसकी सर्विस भी करवानी पड़ेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए मैं एक बार बैरी से बात करता हूँ और पूछ कर देखता हूँ कि भाई इस रेड लाइन की प्राइस वगैरह क्या है। ओके तो गाइस मेरी बात यहाँ पर अभी बैरी के साथ में हो चुकी है और बैरी मुझे कह रहा है कि माइकल ये एक लौता ऐसा शोरूम है जो कि परफेक्टली तुम्हारे बजट के अंदर है और तुम्हारे पूरे बिजनेस को ये पूरा का पूरा पलट के एकदम टॉप पे लेकर आ सकता है। और इस टाइम पे बैरी मुझे बता रहे हैं कि इस रेड लाइन वाले शोरूम की प्राइस है 380 मिलियन डॉलर्स। ओके 380 मिलियन डॉलर्स तो हम लोग यहाँ पर इजीली खर्च कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे रेड लाइन को अपने नाम पे कर सकते हैं। बाकी वेट, इस टाइम पर बैरी कह रहा है कि माइकल मुझे पता है कि रेड लाइन वाले शोरूम को देखने के बाद तुम्हारा यहाँ पर मन बदल गया होगा और तुम किसी और शोरूम को देखने की जगह इस वाले शोरूम को फाइनल करने का सोच रहे हो। बट बैरी मुझसे कह रहा है कि माइकल ये जो शोरूम है ना ये यहाँ पर काफी तगड़ा है, बट एक बार बाहर वाली साइड में जाकर देखो इसकी जो लोकेशन है ना वो कुछ यहाँ पर ज्यादा खास नहीं है और यहाँ पर ना ज्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं आता। वेट यार, बैरी यहाँ पर सच कह रहा था। भाई जरा एक बार यहाँ पर इस वाली जगह की ट्रैफिक कंडीशन देखो, पूरी जगह यहाँ पर लिटरली खाली पड़ी है। यार ये तो दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रेड लाइन पे 380 मिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा हूँ तो हाँ यार मुझे भी अंदर से लगेगा कि यहाँ पे अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ज्यादा कस्टमर्स वगैरह का ध्यान इस पर नहीं जाएगा। और वैसे भी ये जो जगह है वो वीजल न्यूज के नाम से फेमस है, तो हाँ यार इस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर ना वीजल न्यूज का लोग मतलब बंदे समझे कि बिल्डिंग वीजल न्यूज की है और रेड लाइन वाले बोर्ड को हमें और भी बड़ा करना पड़ेगा। एक सेकेंड, बैरी इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल तुम जरा मेरे साथ गाड़ी में बैठो, रेड लाइन को फाइनल करने से पहले मैं ना तुम्हें एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जो कि तुम खरीद के उसे तोड़वा सकते हो और वहां पर एक बहुत तगड़े लेवल का शोरूम बना सकते हो। ओके तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी रेडीमेड शोरूम थे वो यहाँ पर बैरी ने हमें दिखा दिया है और अभी के लिए बैरी हमें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जहाँ पर एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो कि मतलब सेल पर है। अगर हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया ना तो वहां पर हम लोग उसको तोड़वा कर एक बहुत ज्यादा लग्जरी शोरूम बनवा सकते हैं। और बैरी कह रहा है कि माइकल वो जो प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा प्राइम लोकेशन पर भी है, तो ठीक है अभी के लिए देखते हैं कि बैरी हमें फिर से कहां पर लेकर आ रहा है। वेट, बैरी कह रहा है कि माइकल ये तो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर एक पिंक कलर की बिल्डिंग है और बैरी कह रहा है कि माइकल यही वो बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर अभी सेल पर लगी हुई है और अगर तुमने इसको खरीद लिया ना तो यहाँ पर हम लोग इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश करके एक बहुत तगड़े लेवल का शोरूम बना सकते हैं। ओके भाई ये बिल्डिंग पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट बैरी कह रहा है कि माइकल एक टाइम पर ना ये जो जगह है वो यहाँ पर लॉस सैंटोस का काफी ज्यादा पॉपुलर म्यूजियम था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेजेडीज के बाद में ये जो म्यूजियम है वो पूरी तरीके से बंद हो गया और जो म्यूजियम था वो कहीं और शिफ्ट हो गया, बस यहाँ पर एक ये खाली बिल्डिंग रह गई है। बिल्डिंग तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा सही जगह पर है, क्योंकि ये देखो यार ये ना यहाँ पर एकदम एक मेन लोकेशन है और यहाँ पर ना ट्रैफिक भी मुझे काफी ज्यादा आता जाता हुआ दिख रहा है। तो हाँ यार लोकेशन बहुत ज्यादा सही है और ये भी ना एकदम डबल रोड वाली जगह पर है, यानी कि बिल्डिंग के दोनों तरफ रोड है। इस वाली साइड में भी यहाँ पर एक चलता फिरता रोड है जहाँ पर से पूरा का पूरा लॉस सैंटोस का ट्रैफिक निकल रहा है और ये तो वही वाली रोड है जहाँ पर पास ही में बैनी का गैराज भी है और यहीं पर सिमियन का शोरूम भी है। तो हाँ यार लोकेशन तो माननी पड़ेगी इस वाली बिल्डिंग की काफी ज्यादा सही जगह पर है, बट जैसा कि बैरी ने मुझे बताया ये बिल्डिंग एक्चुअली एक म्यूजियम की थी, तो हाँ यार इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को हमें तोड़वाना पड़ेगा या फिर इस बिल्डिंग को डेमोलिश करने की जगह एक काम हम लोग कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम लोग यहाँ पर ना पेंट कर सकते हैं और एक छोटा सा काम जो रह जाएगा वो ये है कि अपना जो बिल्डिंग के अंदर का इंटीरियर है ना उसका हमें थोड़ा बहुत रेनोवेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम लोग एक बहुत तगड़े लेवल का शोरूम बना सकते हैं और ये देखो यार यहाँ पर से हम लोग एक अच्छी खासी एंट्रेंस भी बना सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि जिसका इंटीरियर है वो मुझे अंदर से ना काफी ज्यादा पुराना दिख रहा है, तो हमें इसको चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी इस टाइम पे बैरी कह रहा है कि माइकल फिलहाल तो ये जो जगह है ना वो यहाँ पर लॉक है, बट अगर तुम इस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो तो हाँ हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको बिल्डिंग को चाहे तो डेमोलिश कर सकते हैं या फिर जैसा कि तुम सोच रहे हो हम लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग को पूरा पेंट करके अंदर से चेंज करके इसको एक नए तगड़े लेवल का शोरूम बना सकते हैं। तो हाँ यार ये जो प्लान है ना ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा है। बाकी बैरी रुक जा यार, अभी के लिए मुझे जरा एक बार जगह की प्राइस बता दे। बाकी वे पीछे वाली साइड में यहाँ पर एक और रेड कलर की बिल्डिंग है जो कि इस
पिंक बिल्डिंग के साथ में कनेक्टेड है, ये इसी बिल्डिंग का पार्ट है क्या? क्या सीन है बैरी? वेट, बैरी मुझे इस टाइम पे कह रहा है कि हाँ माइकल, ये वाला जो एरिया है ना, ये इसी बिल्डिंग का गैराज बन सकता है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, ये पहले से म्यूजियम की पार्किंग वगैरह हुआ करता था, बट अब क्योंकि ये जो म्यूजियम है वो बंद हो चुका है, तो हाँ यार, इस वाले एरिया को हम लोग अपने शोरूम का एक रिपेयरिंग एरिया या फिर एक कह लो गैराज जैसा बना सकते हैं। ओके, ये चीज भी यहाँ पर काफी ज्यादा सही है। मेरे दिमाग में यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्लान बैठ चुका है कि ये वाला जो एरिया है ना, मतलब कि ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इसको हम लोग यहाँ पर अपने मैकेनिक या फिर बैनी को दे सकते हैं। वो यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियां वगैरह रिपेयरिंग के लिए लेकर आएगा, सारी गाड़ियां रिपेयर वगैरह कर देगा, और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम लोग अपने शोरूम की मेन हाईलाइट बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी सारी की सारी तगड़ी कार्स वगैरह रखने वाले हैं। यहीं पर अपने सारे कस्टमर्स आएंगे जिनको भी नई गाड़ियां वगैरह देखने में पसंद आएंगी। बाकी वेट, बैरी इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल, ये जो बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो गई है भाई। शायद इसका मतलब ये कि इस बिल्डिंग की जितने भी वॉल्स वगैरह हैं, उन्हें भी हमें पूरा चेंज करवाना पड़ेगा। तो हाँ यार, खर्चा काफी ज्यादा होने वाला है। बट इससे पहले ना, यहाँ पे बैरी से मैं एक बार इससे शोरूम की प्राइस वगैरह पूछ लेता हूँ। एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है? वेट भाई, यहाँ पर पता नहीं किस टाइप का बंदा था, इसने मुझे यहाँ पे धक्का देने का ट्राई करा, बट बैरी ने यहाँ पर इस बंदे को सुला दिया है। चलो यार, अभी के लिए काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा साइड में चलते हैं, और फिर ना मैं एक बार बैरी से पूछ लेता हूँ कि इस बिल्डिंग की प्राइस वगैरह एक्चुअल में क्या होने वाली है। ओके, तो गाइस मेरी बात यहाँ पर अभी बैरी के साथ में हो चुकी है, और इस टाइम पर बैरी कह रहा है कि माइकल, ये जो पीछे वाली साइड में तुम्हें म्यूजियम की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये तुम्हें यहाँ पे $150 मिलियन की मिल सकती है। भाई मतलब जो बिल्डिंग है ना, वो यहाँ पर काफी ज्यादा सस्ती है अपने पुराने वाले जो शोरूम देखे हम लोगों ने उनके कंपैरिजन में, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोगों ने अभी तक जितने भी शोरूम देखे वो सभी के सभी यहाँ पर रेडीमेड थे, और ये हम लोग यहाँ पर बस एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खरीद रहे हैं। तो हाँ, ये हमें यहाँ पे मिलने वाला है $150 मिलियन का, और $150 मिलियन आई थिंक इसकी प्राइस ठीक है, क्योंकि जो उसकी लोकेशन है ना, वो ना यहाँ पर काफी प्राइम जगह पर है, और आसपास भी यहाँ पर ना बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ वगैरह होती है। तो हाँ यार, आई थिंक $150 मिलियन का सही रहेगा। बाकी उसके अलावा बैरी मुझसे कह रहा है कि माइकल, $150 मिलियन तो बस इस प्रॉपर्टी की प्राइस है, शोरूम बनाने के लिए तुम्हें शायद अलग से $50 या फिर $100 मिलियन इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा भाई। यानी कि इसका मतलब है कि इस जगह की कीमत यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट $250 से $300 मिलियन पड़ने वाली है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। बाकी एक सेकेंड, मेरा यहाँ पे फोन बज रहा है, पता नहीं किसका फोन है, रुको यार, अभी के लिए मैं एक बार अपना फोन निकालता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। ओके, तो गाइस इस टाइम पे मुझे यहाँ पर डेव का फोन आया है, और डेव मुझसे इस टाइम पे पूछ रहा है कि माइकल, मिस्टर के का क्या हुआ, क्या तुमने उसे हॉस्पिटल से अपने घर पे शिफ्ट कर लिया है? हमें उससे यहाँ पर काफी सारी पूछताछ करनी है भाई। ये तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि हमें पिल बॉक्स हॉस्पिटल से मिस्टर के को अपने घर पर भी शिफ्ट करना है, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत पैराडॉक्स भी फेस कर रहा होगा। यार अभी के लिए काम करते हैं, ये वाला जो शोरूम है ना, इसके बारे में गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हमें ये खरीद लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि देखो यार, इसकी जो लोकेशन है ना वो एकदम परफेक्ट है, और मेरे दिमाग में जो यहाँ पर प्लान चल रहा है ना इस वाली जगह को लेकर, वो भी काफी ज्यादा तगड़ा है। इस पूरी प्रॉपर्टी को हम लोग खरीद के इसका रेनोवेशन वगैरह करवा सकते हैं, और बहुत तगड़े लेवल का शोरूम यहाँ पर चालू कर सकते हैं। तो हाँ यार, आप लोग अभी कभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि क्या हमें ये वाला शोरूम ले लेना चाहिए। बाकी चलो यार, अभी के लिए ना मैं यहाँ पर बैरी को बोल देता हूँ कि बैरी, ये जो प्रॉपर्टी है, इसका पेमेंट वगैरह का जो भी सीन होगा वो मैं तुझे बाद में बता दूंगा। चलो ठीक है, बैरी फिलहाल यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ चुका है, अभी के लिए काम करते हैं। बैरी को मैंने यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। बैरी मुझसे कह रहा था कि माइकल बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, बट नहीं यार, अभी के लिए ना मुझे यहाँ पे ना पैराडॉक्स से मिलना पड़ेगा, और वैसे भी मैं यहाँ पर चाहता नहीं हूँ कि मेरे अलावा किसी और को कुछ भी पता चले कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, हम लोगों ने किस बंदे को किडनैप करके हॉस्पिटल वगैरह के अंदर रखा हुआ है। बाकी एक सेकंड, यहाँ पर ना एक गाड़ी रुक गई है, अभी के लिए काम करते हैं। वेट यार, गाड़ी में पकड़ने वाला था, बंदे ने टक्करी मारती तेरी भैंस की, डंगरा बाहर निकल। और रुको यार, गाड़ी के अंदर बैठने से पहले ना मैं जरा एक बार उसको बताता हूँ भाई, बंदा यहाँ पर बेहोश हो गया। चलो ठीक है, गाड़ी हमें मिल चुकी है, फटाफट से भी इस वाली गाड़ी को लेकर हम लोग निकलते हैं सीधा पिलबॉक्स हॉस्पिटल के लिए। मैं यहाँ पर अभी रास्ते में पैराडॉक्स को भी फोन करने का ट्राई कर रहा था, बट पता नहीं कि वो बंदा यहाँ पर फोन उठा नहीं रहा है, शायद वो यहाँ पर कोई सर्जरी वगैरह में बिजी होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा पिलबॉक्स हॉस्पिटल के लिए। वहां पर मैं जाकर पैराडॉक्स को थैंक यू भी बोल दूंगा, और उसके बाद हम लोग बस मिस्टर के को अपनी गाड़ी में डालेंगे, और उसे लेकर हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा अपने घर पर। भाई यार, ये काम ना मुझे पहले कर लेना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, आज का जो अपना दिन था वो यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी गया। बट कोई दिक्कत की बात नहीं यार, इसी बिजी काम की वजह से हमें यहाँ पर अपने $400 मिलियन भी मिल चुके हैं, वो भी पूरे के पूरे कैश में। तो हाँ यार, अपना जो काम था वो यहाँ पर वर्थ इट था। फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और पिलबॉक्स हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो भी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हुआ फाइनली यहाँ पर पिलबॉक्स हॉस्पिटल में पहुंच चुका हूँ। और ये देखो यार, मतलब हम लोग पिलबॉक्स हॉस्पिटल में रात में या फिर सुबह, हर बार मुझे यहाँ पे भीड़ तो देखने को मिलती है। बाकी चलो यार, अभी के लिए जो अपनी ये वाली गाड़ी है ना, जो कि अपनी नहीं है, इसको हम लोगों ने यहीं पर छोड़ दिया है। फटाफट से हम लोग जरा भी अंदर वाली साइड में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि पैराडॉक्स के साथ में क्या सीन है, वो बंदा यहाँ पर अपना फोन वगैरह क्यों नहीं उठा रहा है। पर जितना मुझे लग रहा है कि वो बंदा ना यहाँ पर बिजी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हाँ, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं वार्ड बी में, हमें जाना है वार्ड सी में, और यहीं कहीं पे ना उसका ऑफिस है, यानी कि अपने पैराडॉक्स का। ओके, ये देखो यहाँ पर पैराडॉक्स का ऑफिस है, फटाफट से भी हम लोग अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि पैराडॉक्स ने एग्जैक्टली क्या किया। वेट,
पैराडॉक्स, इसको क्या हुआ? ये बंदा यहाँ पर साइड में से पड़ा क्यों हुआ है? यहाँ पर कोई सीन हुआ क्या? पता नहीं क्या सीन है, बट रुको यार, मैंने यहाँ पर अभी पर पैराडॉक्स से बात करके देखता हूँ। वेट, वो बंदा मिस्टर के जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ कर पैराडॉक्स के पास छोड़ा था, वो यहाँ पर नहीं है? क्या चल रहा है? वो बंदा ऐसे कहीं भाग गया क्या? एक सेकेंड यार, वार्ड सी तो यहाँ पर लिटरली पूरा का पूरा खाली पड़ा है, तो वो बंदा एग्जैक्टली गया कहाँ पर? और पैराडॉक्स भी यहाँ पर साइड में ज़मीन पर पड़ा है, पता नहीं क्या सीन है। बट रुको यार, अभी के लिए मैं जरा एक बार पैराडॉक्स से बात करके देखता हूँ क्या हुआ यार। गाइस, पता नहीं क्या सीन है, बट इस टाइम पर पैराडॉक्स मेरी किसी भी बात का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और देखकर लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने पैराडॉक्स को कोई दवाई वगैरह दी है क्या? बंदा काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। ये देखो यार, मेरी बात भी फिलहाल सुन नहीं पा रहा है। बट वो बंदा मिस्टर के कहाँ पर गया यार? डेव मुझे जिंदा चला देगा भाई। उस बंदे ने वैसे मुझसे कल रात को कहा था कि सुबह आकर कैसे भी मिस्टर के को अपने घर पर शिफ्ट कर देना। फिलहाल अब मैं उसे क्या बताऊं कि पैराडॉक्स यहाँ पर साइड में पड़ा है, मेरी बात का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और मिस्टर के भी अपनी जगह पर नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बट पक्की बात है पैराडॉक्स के साथ यहाँ पर कुछ तो हुआ है, और मिस्टर के भी यहाँ पर नहीं है, वो बंदा भी अपनी जगह से गायब है। भाई मेरे पास अभी यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अभी के लिए काम करते हैं हम लोग ना, बाहर वाले साइड में जो रिसेप्शन पर लेडी बैठती है उससे जाकर एक बार बात करते हैं और पूछकर देखते हैं कि मिस्टर के एग्जैक्टली गया कहां पर। वेट, ये बंदा कौन है? एक सेकेंड, इसने भाई मेरी गर्दन पे बहुत गंदे तरीके से बैट मारा और फिलहाल ये यहाँ पे निकल रहा है। भाई ये कौन था? और वेट, माइकल यहाँ पर बेहोश हो गया है।